ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वजायाडं नमो लोए सर्वसाहुडं जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है जो विपुल विघ्न बीच में भी ध्यान धारण धीर है जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है वे वंदनीय जिन्हें तीर्थं कर स्वयं महावीर है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संभव जैन को। गोष्ठी आदरणीय हितेंद्र जी सर हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आज की गोष्ठी के निर्णायक महोदय करतल ध्वनि के साथ हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। आदरणीय हितेंद्र जी सर, सब स्वागत करते हैं। आदरणीय निर्णायक महोदय जी का माल्यार्पण करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ भाई विशाल नायक। आदरणीय निर्णायक महोदय जी का माल्यार्पण स्वागत है। गोष्ठी का क्रम प्रारंभ हो उससे पूर्व गोष्ठी के कुछ नियम इस प्रकार हैं। सभी लोग कृपया शांति बनाए रखें। इस गोष्ठी में हर एक वक्ता के लिए 5 मिनट का समय मिलेगा। 5 मिनट से यदि ज्यादा कोई बोलता है तो मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। यदि कोई वक्ता 5 मिनट से ज्यादा बोलता है तो आप उसके अंक काटने में पूर्णतः स्वतंत्र हैं। और जितने भी गोष्ठी में वक्ता आज बोल रहे हैं वे प्रथम पंक्ति में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और जैसा कि आप सबको विदित ही है कि बीच में गोष्ठी के बीच में किसी भी विद्यार्थी को यहाँ पर बुला करके किसी के भी मुख्य बिंदु बोलने को कहा जा सकता है। इस प्रकार यह गोष्ठी के नियम थे। गोष्ठी का क्रम आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहता हूँ उपाध्याय कनिष्ठ से ही भाई अभिषेक जैन आए। हो गया ना भाई अभिषेक जैन आए जिनका विषय है दर्शन का स्वरूप लक्षण व प्रयोजन तथा अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे उपाध्याय कनिष्ठ से ही भाई आकाश जैन जिनका विषय है भारतीय दर्शन के स्त्रोत। ओम नमः सिद्धाय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभा में सभी आदरणीयों को मेरा जय जिने। प्रवतान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है दर्शन शास्त्र का स्वरूप लक्षण और प्रयोजन। यदि इस ब्रह्मांड के प्रत्येक तत्व को जानना है तो हमें दार्शनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दर्शनिक दृष्टिकोण को दर्शकों ने अपना कर दर्शन शास्त्र की व्याख्या की है। अतः हम दर्शन शास्त्र का स्वरूप जानेंगे। हम सबसे पहले यह देखते हैं कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दुष्ट धातु करण अर्थ में लुट प्रत्यय से हुई है। दर्शन के लक्षण अलग अलग समुदाय में अलग अलग माने जाते हैं किंतु उसका अभिप्राय एक ही है। दर्शन शब्द का प्रयोग शास्त्र में किया जाता है। आरोग्य अर्थ में यथार्थ रूप से देखना वही दर्शन शास्त्र है। हम देखते हैं कि शास्त्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। शास्त्र शब्द की उत्पत्ति शास्त्र धातु से हुई है। शास्त्र धातु का अर्थ होता है दूसरों को उपदेश देना। संस्कृत धातु से भी इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। पाश्चात्य संस्कृत में इस शब्द को फिलोसॉफी कहते हैं। ग्रीक भाषा में इस शब्द को योगी कहा है। यद्यपि दर्शन के लक्षण विविध संप्रदाय में विविध
विविध प्रकार से वेद क्या है, किंतु सभी में एक ही लक्ष्य है। प्राय सभी जगह दर्शन शब्द का प्रयोग शास्त्र के अर्थ में करते हैं। यह भी सिद्ध है कि केवल अलौकिक तत्व ज्ञान का साधन नहीं है, अपितु लौकिक कर्तव्य अकर्तव्य विधियां और निषेध का भी वर्णन है, साथ ही लौकिक जीवन के आचरण का परिष्कार का भी साधन है। विज्ञान भी व्यक्त दृष्टिभूत सत्य विश्लेषण करता है, अतः यह दर्शन ही है। अतः जीव जगत ईश्वर धर्म अधर्म समाज तत्व के अध्ययन का समग्र कार्य दर्शन के व्यापक क्षेत्रों ने सूचित करता है। भारतीय दर्शन में दार्शनिक चिंतन की यह सारणी इन विषयों पर अवलंबित है। पश्चात दर्शनों में अदृश्य विषय संदेश, किंतु भारतीय में दर्शन ले संदेश नहीं है। भारतीय दर्शन के बारे में अवश्य जानना है तो मुख्यतः नौ दर्शन है: सांख्या दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्री दर्शन, विमा दर्शन, वेदा दर्शन, चारवा दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और वर्तमान में प्रचलित गांधी दर्शन और अरविंद दर्शन प्रचलित है। अभी अब सभी दर्शनों का मुख्य प्रयोजन केवल एक ही, सुख की प्राप्ति करना, दुख से छूटना है। जीव सुख चाहता है और दुख से घबराता है, अतः सच्चे सुख की प्राप्ति करने का उपाय मात्र दर्शनों का एकमात्र लक्ष्य है। अन्य कुछ परंतु इसके साथ ही सृष्टि के समस्त भौतिक अभौतिक पदार्थों का यथार्थ बोध करना है। यह सब दर्शन जानकर उनमें फंसने के लिए यह दर्शन का स्वरूप अभ्यकार नहीं कर सकता है। उनसे सच्चा दैन दिन में किस प्रकार भिन्न है एवं उनकी मान्यता क्या है, उनकी वितरागी से अद्वैत किस प्रकार भिन्न है, मात्र इसमें न उलझ कर अपने को समझ एवं अन्य मत को लोगों में फंसो। प्रथम अपना कल्याण कर उनको भी इस मंत्र पर पथ पर लगाए। इसका श्रद्धान का अर्थ हम जान सकते हैं कि श्रद्धान करते हुए योग ज्ञान अन्य दर्शन नहीं है, मात्र निज दर्शन है। एवं निज दर्शन महाअस्तिक्य जैन दर्शन है। जैन दर्शन समझ कर सुभद विज्ञान द्वारा स्व की श्रद्धान कर अनंत संसार पार हो, ये भावना साथ में विराम देता हूँ। भाई अभिषेक दोषी ने अभी अपना विषय प्रस्तुत किया। मैं अध्यक्ष महोदय और निर्णायक महोदय को ध्यान देना चाहूँगा। यह इस गोष्ठी में उपाध्याय कनिष्ठ के ही विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है और यह उनका पहला मौका है कि वे इस मंच पर डाइस पर आकर अपना विषय प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हड़बड़ाहट डर भय होना स्वाभाविक है। तो आप सभी, आपसे निवेदन है, कृपया उनकी इस भूल को नदारद करते हुए उनके विषय को प्रोत्साहन करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, श्रीमद् भगवद गीता दर्शन में योग मीमांसा इस विषय के लिए तात्कालिक वक्ता की आवश्यकता है। उपाध्याय वर्ग में जो भी इस पे बोलने की इच्छा रखता हो वो अपना नाम हमें दे दे। विषय भी मौजूद है, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। विषय पुनः सुन लें, श्रीमद् भगवद गीता योग मीमांसा इस विषय के लिए तात्कालिक वक्ता की आवश्यकता है, तो अपना नाम दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जैन को, जिसने दर्शन का स्वरूप और उसका प्रयोजन बताया। अब आए आकाश जैन, उसका विषय भारतीय दर्शन का स्रोत और आगामी वक्ता के रूप में तैयार रहे अतिशय जैन सागर, उसका विषय है गीता दर्शन और सामान्य स्वरूप। अब आए आकाश जैन। ओम नमः सिद्धिव्य। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय और सभा में उपस्थित सभी श्रोता को मेरा सुदान मंदन। प्रतिमान गोष्ठी का विषय है दर्शन शास्त्र का परिचय, उसमें मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है भारतीय दर्शन के स्रोत। तो सर्वप्रथम देखेंगे एकांत की अत्यंत की चाह दुख निवृत्ति दर्शन शास्त्र मुख्य उद्देश्य अस्ति, अर्थात संपूर्ण दुखों की निवृत्ति दर्शन शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। दर्शन शास्त्र का मूलभूत चिंतन दुख से निवृत्ति कराना है। प्रत्येक व्यक्ति दुख से डरता है और वह अनुकूल सुख को चाहता है। इसी के उपाय में जो कुछ चिंतन मनन किया जाए वह दर्शन है। अब हम देखते हैं दार्शनिक विचार अर्थात सृष्टिकाल। सृष्टि का आरंभ कब हुआ इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तथा विद्वानों या वैज्ञानिकों द्वारा यह कहा गया है कि वेद ही सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है, क्योंकि वेदों में ही
दुख निवृत्ति का उपाय है। प्रारंभ से ही दार्शनिक समस्या का उपाय वेदों में पाया जाता है। अब हम इसको चार बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सर्वप्रथम वेद। वेद अनादि काल से शिष्य गुरु की परंपरा के आधार से चला आ रहा है और वेद मूलतः धर्म के प्रतिष्ठापक हैं। धर्म दर्शन एक दूसरे पर आधारित है। वेद शब्द वेद धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ है ज्ञान। अतः वेद भारतीय ऋषियों की अंतरात्मा का स्वरूप है और वेद नित्य है, सदा रहने वाला है और अपौरुष है, अर्थात वेद मानव कृत नहीं है, यह स्वयं परमात्म ज्ञान स्वरूप है। वेद के चार प्रकार कहे गए हैं, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद और ऋग्वेद। इसे संहिता नाम भी दिया गया है। अब हम देखते हैं उपनिषद। उपनिषद में आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। उपनिषद में अध्यात्म विद्या के गूढ़ तत्वों का चिंतन किया गया है और उपनिषद भारतीय तत्व ज्ञान के मूल स्रोत होने के कारण दसों शास्त्र के भी मूल स्रोत कहे गए हैं। उपनिषद शब्द उप और नी उपसर्ग द्वारा सजल धातु से बना है जिसका अर्थ है विद्या से अविद्या का नाश, आत्मज्ञान की प्राप्ति और सांसारिक दुखों की निवृत्ति। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म विद्या उपनिषद का पर्यावाची कहा है और उपनिषद के तीन तत्व माने गए आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। अतः उपनिषद का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त कराना है। अब हम देखते हैं पुराण। दसों शास्त्र के विकास पुराण को मुख्य विशेषता दी गई है क्योंकि पुराण में तत्वों का सरल भाषा में प्रयोग किया गया है और पुराण में उत्तम प्रतिपादन किया गया है। पुराण में मुख्यतः सर्वशक्ति संपन्न सत्ता बताया गया है और पुराण में ज्ञान, कर्म, भक्ति इन तीनों को बताया गया है। अंत में हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का अंश है। महाभारत काल में वैदिक काल में सांस्कृतिक की आवश्यकता थी, अतः महर्षि वेद ने महाभारत के गुण तत्वों का विवेचन किया है और महाभारत वैदिको तत्वों की पुनः प्रतिष्ठा की है। महाभारत में कौरव पांडव के युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें अर्जुन के व्यामोह और चिंतन बताया गया है तथा अर्जुन के समाधान किया गया है। इस भगवद गीता में आत्मज्ञान, सृष्टि, रस, धर्म अधर्म के बारे में बताया गया है। भगवद गीता और उपनिषद वर्णन अपेक्षा लक्ष्य अपेक्षा है और उपनिषद की भाषा शैली अपेक्षा है। गीता का उद्देश्य प्राप्ति व प्रतिष्ठा कराना है। अतः निष्कर्ष यह है कि वेद उपनिषद, पुराण और श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इनमें ही भारतीय दर्शन पल्लवित एवं पुष्पित है। इसी प्रकार हम इन्हें समझे जाने इसी मंगल भावना से जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आकाश जैन को जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। सभी वक्ताओं से एक निवेदन है कि अपना वक्तव्य पूर्ण होने के बाद अपना विषय संयोजक महोदय के पास यहाँ जमा कराते जाएं। आगामी वक्ता के रूप में तैयार रहें भाई अतिशय जैन और अभी तैयार रहें भाई अतिशय जैन जिनका विषय है गीता दर्शन का सामान्य स्वरूप और इसके बाद भाई तैयार रहें आयुष जैन हटा जिनका विषय है चार्वाक तत्व मीमांसा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभा में उपस्थित सभी साधारण भाइयों को सादर जय जिनेंद्र। प्रवर्तन गोष्ठी में दर्शन शास्त्र का परिचय मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है भगवद्गीता का सामान्य स्वरूप। विश्व का सर्वाधिक ग्रंथ श्री मद भगवद्गीता जिससे आज बच्चा बच्चा भी परिचित है, तो अब हम इस श्री मद भगवद्गीता का महत्व समझते हैं। वैसे तो यह ग्रंथ महाभारत जैसे विशाल काल ग्रंथ का एक सर्वोत्तम रूप है। इसमें मात्र 700 श्लोक हैं जिनका वर्णन इतनी सुबोध सरल भाषा में किया गया है। हम और आप इसे आसानी से चिंतन में उतार सकते हैं। गीता का दलबंदी से दलदल से कोसों दूर है, साथ ही साथ आध्यात्मिक तत्व के निरूपण से भिन्न भिन्न गतों में उपयोग है
उससे वह नितांत उपाधेय है, वह तो एक गीता अतीन्द्रिय गौरवशाली है। श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद आप सभी भाषाओं में उपलब्ध है। विकट प्रश्नों का समाधान करने में ही गीता का प्रारंभ हो गया था। उपदेशों की दिशा सुस्पष्ट है। वह आचार मीमांसा का भी प्रतिपादन करती है, इसलिए वह योग शास्त्र भी कहलाती है। अब आते हैं, गीता का मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, आध्यात्मिक पक्ष और दूसरा व्यवहार पक्ष। गीता के विभाजन यही तक सीमित नहीं है। गीता के अध्यात्म पक्ष को पांच भागों में विभाजित किया गया है, ब्रह्म तत्व, प्रकृति तत्व, तत्व जगत तत्व और पुरुषोत्तम तत्व। गीता के व्यवहार पक्ष को चार भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञान योग, कर्मयोग, ध्यान योग, भक्ति योग, जिसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो अब हम गीता को अध्यात्म पक्ष पर चर्चा करते हैं। गीता में उनको स्थानों पर आध्यात्मिक तत्वों को बड़ी ही बारीकी से वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम तो ब्रह्म तत्व निरूपण। ब्रह्म तत्व निरूपण को से सगुण और निर्गुण दो पक्ष हैं, यह अलग अलग होने पर भी एक ही तत्व है। गीता में भगवान के दो प्रकार से भावों में बताया गया है, अप्रभाव और प्रभाव। एक अंश से जगत को व्यास कर स्थित होता है वह अप्रभाव, और परंतु भगवान केवल जगन मात्र ही नहीं है, वे इसे अतिक्रमण करने वाले भी हैं, यह वास्तविक रूप है, वह प्रभाव है। प्रकृति तत्व निरूपण। प्रकृति तत्व निरूपण दो प्रकार से किया गया है, अप्रभाव और प्रभाव। पराभाव प्रकृति से तात्पर्य जीव से है, और अप्रभाव प्रकृति से तात्पर्य जीव अजीव समस्त पदार्थों से करते हैं। समस्त पदार्थ इन्हीं दोनों में तत्वों में उत्पन्न होते हैं, परंतु गीता इसमें सहमत नहीं है। गीता की सृष्टि में तीसरा तत्व अमृत है, जिसे सर्वव्यापक भी कहते हैं, जिससे चराचर सृष्टि का उदय होता है। जी तत्व निरूपण। जी तत्व सर्व कार्य से रहित है, ना तो वह जन्मता है ना ही मरता है। अपन मन नित्य प्राचीन होने पर भी नवीन है, नया है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह जीव एक देह का त्याग कर शरीर को धारण करता है। जगत तत्व निरूपण। गीता के अनुसार प्रकृति का अध्यक्ष ईश्वर ही है, ईश्वर ने ही जगत की रचना की है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार भगवान से जगत की उत्पत्ति होती है। जगत के अवान्तर आविर्भाव काल को ब्रह्मा का दिन कहते हैं, और अजगत का अवान्तर प्रभाव ब्रह्म की रात्रि कहते हैं। पुरुषोत्तम तत्व निरूपण। पुरुषोत्तम तत्व निरूपण भगवद गीता का परम रहस्यपूर्ण तथा परम महत्वपूर्ण आध्यात्मिक तत्व है। अव्यक्त तथा अक्षर का प्रयोग कर गीता में अव्यक्त से ऊपर प्रकृति तत्व निरूपण भी कहते हैं, एक विशिष्ट तत्व के लिए किया जाता है। गीता में अचला प्रकृति को भर तथा गोठस्थ अधिकारियों पुरुष प्रकृति को अक्षर कहा गया है। अक्षर से तो उत्तम है पुरुषोत्तम, इसी पुरुषोत्तम को समर्पण कर देने की शिक्षा गीता में दी गई है। हमें श्री भगवद गीता का सर मर्म समझ कर अपनी समस्या का समाधान करना चाहिए, उसी मुक्ति मार्ग में लगना चाहिए। इसी मंगल भाग्य साथ जज ने वक्तागण से निवेदन है कि आप पे पत्र लेकर ना आए। सर्वेन्द्रिय गुणभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभूतश्चैव निर्गुण गुणभुक्ताश्च। इस प्रकार कुछ भाव व्यक्त किए अतिशयेन्द्रियन सागर ने। अब आए आयुष हटा, उनका विषय है चारवाक दर्शन और उसकी तत्व मीमांसा। और आगाम वक्ता के रूप में तैयार है आयुष जैन मणिदेवरा, उसका विषय है चारवाक दर्शन प्रमाण आचार मीमांसा। अब आए आयुष हटा। संदेह बात बड़ी विचित्र वस्तु है, इसके बीच यदि किसी दर्शन की भूमि पर पड़ जाते हैं तो उन्हें दूर करने के सतत प्रयत्न करने पर भी वे सर्वथा निर्मूल नहीं होते। सम्मान्य मंच एवं सभासद को सादर जय जिनेन। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है दर्शन शास्त्र का परिचय। इसमें मेरा विषय है चारवाक दर्शन का सामान्य स्वरूप व तत्व मीमांसा। तो हम इसके स्वरूप को चार बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहला हमारा बिंदु रहेगा चारवाक दर्शन का नामकरण किस प्रकार हुआ। दूसरा बिंदु हमारा रहेगा चारवाक दर्शन का सामान्य परिचय। और फिर तीसरा बिंदु हम इसके समझेंगे कि साहित्य व सिद्धांत। और चौथा बिंदु हम इसकी प्राचीनता देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम पहले बिंदु के माध्यम से इसका नामकरण देखते हैं। तो ये तीन प्रकार से उल्लेखनीय आता है। पहला इसका आता है कि पहला इसको बोलते हैं लोकायत, तो उसको लोकायत बोलते हैं। और दूसरा इसका नाम उल्लेखनीय आता है बृहस्पत्य। पहला क्या देखा लोकायत, दूसरा बृहस्पत्य और तीसरा चारवाक। तो उसका नाम लोकायत क्यों पड़ा, क्योंकि इस लोक के सामान्य लोगों की तरह आचरण करता था और करता भी है। किस प्रकार कि कहते हैं सामान्य लोगों का कहना क्या है कि आप खाइए पिए और मौज करिए,
कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। तो इसी प्रकार इस मत का भी कहना यही था, इसका भी यही सिद्धांत था, तो इसको लोकायत कहने लगे। देखते हैं दूसरा बृहस्पत्य, तो इसका बृहस्पत्य क्यों पड़ा, तो जो इसके संस्थापक थे आचार्य बृहस्पत्य, तो उनके नाम पर इसको बृहस्पत्य बोलने लगे थे। और हमारा तीसरा क्या कहते हैं, चार्वाक, तो चार्वाक को तीन प्रकार से कहते हैं, लेकिन इसका कोई सिद्धि नहीं होती, प्रमाण नहीं मिलता कि इसको तीन प्रकार के क्यों कहते हैं। पहला इसलिए बोलते हैं क्योंकि आचार्य बृहस्पत्य थे, उनके शिष्य का नाम था चार्वाक, तो इनको चार्वाक कहने लगे। और दूसरा क्या था, कहते हैं कि इनका दूसरा नाम इसलिए आता है, कहते हैं कि परलोक पाप पुण्यादि नाम चवर्णादपि अपि चार्वाका सन्ति। क्यों? क्योंकि इसके जो ये रहते हैं परलोक पाप पुण्यादि का चवर्ण कर जाने से, अर्थात चट कर जाना मतलब नहीं मानने से, इसको चार्वाक कहने लगे। और इसको तीसरा देखते हैं कि एसाम वाक चारु अस्ति इति अतएव एमे एते चार्वाका सन्ति, मतलब इसके वाक सुनने में प्रिय लगते थे, इसलिए इसको चार्वाक कहने लगे। कि अब हमने इसका नामकरण देखा, अब हम दूसरे बिंदु के माध्यम से इसका आगे देखते हैं सामान्य परिचय। तो इसको हम एक श्लोक के माध्यम से जानते हैं, कहते हैं याव जीवेत सुखम जीवेत, याव जीवेत सुखम जीवेत रणम गत्वा कृतम विवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः रागमना कुता, कि जब तक जी रहे हो सुख से जियो, ऋण अर्थात उधार, तो उधार लेके घी पियो, कहते हैं उधार भी लो तो घी पियो। फिर कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः रागमना कुता, कि यह देह तो भस्म होने वाला है, आप वापस आ रहे हो नहीं आ रहे हो किसने जाना। हमने अब इसका ये कहना है कि आप खाओ पियो मौज करो, इसका यही सिद्धांत है, इसके जो ये वाक्य हैं लोगों को प्रिय लगते थे, इसी कारण इसका जो नाम पड़ा था चार्वाक। अब हमने इसको दो चार पुरुषार्थ रहते हैं, ये चार पुरुषार्थ में से दो पुरुषार्थ को मानते हैं और कहते हैं कि जो धर्म होता है, धर्म को इन्होंने पाखंड कहा है, धर्म को एक पाखंड बताते हैं। और उनका कहना है कि धर्म मतलब करना पाखंड है। और इसके बाद ये कहते हैं कि पुरुष सुखी रहना है तुम्हें, तो और कुछ करना नहीं है, हमारा काम तो सुखी रहना है, अब इस जगत में हम आए हैं तो हम दोबारा तो जन्म लेने वाले हैं नहीं, इनका ये मानना है। तो कहते हैं कि बस सुखी की चिंता करो और किसी चीज की चिंता मत करो। अब हम इसका आगे देखते हैं, हम इसका साहित्य व सिद्धांत देखते हैं। तो साहित्य, इसके कुछ साहित्य किस प्रकार है, तो आचार्य बृहस्पत्य द्वारा लिखित सूत्र शैल नामक एक ग्रंथ का उल्लेख आता है, और उसके बाद डॉक्टर उमेश मिश्र द्वारा लिपिबद्ध 15 सूत्र हैं जो अनेक भाषा ग्रंथ व उनकी टीकाओं से प्राप्त हैं। फिर आगे देखते हैं कि भगुरी द्वारा लिखित एक टीका ग्रंथ भी है, और फिर जो आचार्य भट्ट जय राशि द्वारा लिखित एक तत्वोपलब्ध सिंधु नामक एक ग्रंथ है। अब जो इनके जो साहित्य हैं वे अभी इस वक्त उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह माना जाता है। फिर इसको कहते हैं कि आचार्य बृहस्पत्य द्वारा बताए गए 5 सिद्धांत हैं, कौन कौन से, स्वभाववाद, अध्यक्षवाद, नियतिवाद, कालवाद और भोक्तृत्ववाद। अब हम इसको प्राचीनता देखते हैं, आचार्य वाल्मीकि रामायण में, जो वाल्मीकि रामायण द्वारा लिखित है रामायण, उसमें इनको मिथ्या दृष्टि की संज्ञा आती है। और कहते हैं कि महाभारत में इनका देह ही आत्मा इस प्रकार का प्रसंग आता है, और कई बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी इनका उल्लेख आता है, इस प्रकार इनकी प्राचीनता सिद्ध होती है। अभी हमने इसका स्वभाव देखा, अब इनकी तत्मीमांसा देखते हैं। तत्मीमांसा अपने स्वभाव में ही इसकी निराली है, कहते हैं कि जगत, कहते हैं ये लोग कि जो तत्व हैं, चार तत्व को मानते हैं, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन चार चीजें ही तत्व हैं, जगत में तत्व हैं, और इनसे ही जगत की, इंद्रिय की और भौतिक शरीर की रचना होती है। अब किस प्रकार होती है ये नहीं बता पाते, इसमें सर्वथा वे मौन रहते हैं। फिर इसके बाद हम देखें तो इनका कहना है कि चार चीजों से इसकी उत्पत्ति होती है। अब आत्मा के बारे में हम प्रसंग देखते हैं, तो आत्मा कहता है कि आत्मा नाम कोई अन्य पदार्थ नहीं है, यह आत्मा मतलब इसी तरीके का इनका जो पहले हमने देखा था कि कैसे उत्पत्ति होती है नहीं बता पाते। फिर इसका जो अन्य बात है, लास्ट बात है, इसमें इनका कहना है कि ईश्वर, तो ईश्वर को अनुमान प्रमाण मानते हैं, पर अनुमान प्रमाण से ईश्वर माना जाता है, पर ये अनुमान प्रमाण मानते नहीं, इसलिए ईश्वर को भी नहीं मानते। इस प्रकार हमने चारवाक का सामान्य स्वरूप तत्वमीमांसा समझी, और अगर हमारी भी इस प्रकार की बुद्धि है, खाओ पियो और मौज करो, तो हम इस बुद्धि को छोड़कर मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त हूं। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। यावत् जीवित सुखम जीवित दृढ़ कृत्वा भूतम पीवित भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागम कुता, इस प्रकार कुछ भाव व्यक्त किए आयुष हटा ने। अब आए आयुष मरुदेवरा, उनका विषय है चार्वाक दर्शन और उसकी प्रमाण आचार मीमांसा, और आगाम वक्ता के रूप में तैयार है भरमाप्पा जैन, उसका विषय है जैन दर्शन और उसका सामान्य उद्गम।
अब आए आयुष मठ देवरा। वंदितु सभ्य सिद्धे, सम्मान्य मंच एवं सभा में बैठे हुए सभी भावी विद्वानों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद बिंदु है चार्वाक दर्शन की प्रमाण मीमांसा एवं आचार मीमांसा। तो इसको हम दो पॉइंट में समझ सकते हैं, एक तो प्रमाण मीमांसा और एक आचार मीमांसा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमाण मीमांसा की। प्रमाण मीमांसा में ज्ञान की विवेचना होती है, इसके अंतर्गत सत्य तथा असत्य का निर्णय होता है। चार्वाक दर्शन वाले सिर्फ यही मानते हैं कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, वह मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। वह कहते हैं कि जो आत्मा है वह ना तो दिखता है, ना ही उसे छू सकते हैं, ना ही उसका अनुभव होता है। अर्थात वह इस आधार पर कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। चार्वाक दर्शन ही मात्र एक ऐसा दर्शन है जो कहता है कि अनुमान चार्वाक दर्शन ही मात्र एक ऐसा दर्शन है जो अनुमान को निषेध मानता है। अनुमान लोक व्यवहार की दृष्टि का साधन होता है। अब जैसे माना कि कहीं धुआं उठ रहा है, अब अगर हम इसी आधार से कहते हैं कि हम इसी आधार से इसे कहते हैं कि ये यहाँ धुआं उठ रहा है, मतलब यहाँ पे आग जल रही होगी, अनुमान के आधार से हम इसको बोलते हैं। अर्थात इसका निषेध करते हैं कि अनुमान नामक कोई चीज है ही नहीं। लोक व्यवहार को तो यह कहते हैं कि लोक व्यवहार को तो निश्चय की आवश्यकता होती है, ना कि संभावना की। वह कहते हैं वह तो जगत के कार्य कारण को भी स्थान नहीं देते। वह कहते हैं कि सुख दुख का कारण तो ना धर्म है और ना ही अधर्म है, मनुष्य अपने स्वभाव के कारण ही सुखी दुखी होता है। कहते हैं कि अग्नि जलाती है और जल शीतलता प्रदान करता है, इसमें कार्य तो है लेकिन कोई कारण नहीं है। वह जगत की उत्पत्ति तथा विनाश को ही स्वभाव मानते हैं। अतः इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि इन्हें कार्य कारण भाव का सही ज्ञान नहीं है। कार्य की उत्पत्ति के समय अनेक साधक उपाधियों की सत्ता रहती है, जिनकी उपाधियां बहुत सी व्यक्त होती हैं तथा बहुत सी अव्यक्त भी होती हैं। इन्हीं व्यक्त तथा अव्यक्त उपाधियों की ज्ञान से ही हमें कार्य कारण भाव समझ में आता है, जो कि इन्हें इनका अज्ञान चार्वाक दर्शन वालों को इनका अज्ञान है, इसीलिए ये कार्य कारण भाव को मानते नहीं है। अब अगर हम प्रमाण के अनुसार देखें तो हम प्रमाण के अनुसार उदाहरण लेते हैं तो माना कि अगर किसी महिला का पति विदेश चला जाए तो वह विधवा हो नहीं जाएगी, उसका पति है तो अभी जीवित ही, चाहे वह परोक्ष रूप में क्यों ना हो। इस प्रकार इस चार्वाक दर्शन प्रमाण मीमांसा का खंडन हो जाता है। अब हम बात करते हैं आचार मीमांसा की। इसमें मानव मात्र की कर्तव्यों का ही वर्णन होता है। ये चार्वाक दर्शन वाले मानव के लिए दो ही पुरुषार्थ मानते हैं, एक तो अर्थ और दूसरा काम। धर्म और मोक्ष को यह पुरुषार्थ नहीं मानते। इसके लिए एक श्लोक भी आता है कि लोकायता वदन्ति एवं नास्ति जीवन निर्वृता धर्माधर्मो न विद्यते ना फलम पुण्य पापयो। अर्थात जीव, मोक्ष, धर्म अधर्म और पुण्य पाप आदि के फल निराधार है। वह कहता है कि स्वर्ग भी कोई स्थान नहीं है। जब स्वर्ग नामक प्रधान ही लोक है, तब ऐसे किसी कल्पित परलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए त्याग तपस्या करना, यज्ञ अनुष्ठान आदि करना पहले दर्जे की मूर्खता मानते हैं। उनके अनुसार लौकिक सुख
लौकिक सुखी जीवन का चरम लक्ष्य है और उसकी प्राप्ति के द्वारा ही अर्थ की सिद्धि होती है। जैसा कि अभी पिछले वक्ता ने बताया था कि यावत जीवित सुखम जीवित रणम कृत्वा घृतम् पिबे भस्मीभूत सिद्धय से पुनरागमनम कृता, अर्थात जब तक जिये सुखपूर्वक जिये ऋण लेकर घी पिए, ऋण के चुकाने की चिंता ना करें क्योंकि अब तुम्हें अपना दोबारा जन्म होना है। अब अगर हम इनके सिद्धांतों का खंडन करें तो इनका मानना है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु चार ही तत्वों से जीव का निर्माण हुआ है, ये चार ही तत्व जगत हैं और बाकी इनके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इनका खंडन करें तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु ये चारों तत्व भोजन बनाने के समय भी इनका संयोग होता है, लेकिन तब तो जीव का निर्माण नहीं होता, अतः तब इनके पास कोई इसका जवाब नहीं रहता। और अगर हम इस घी वाले सिद्धांत का खंडन करें तो जो इसके चार्वाक दर्शन के निर्माता बृहस्पति जी हैं उनके बृहस्पति सूत्रों में इसका उल्लेख तो नहीं मिलता, अर्थात यही सिद्ध है कि आचार्य बृहस्पति के इस सिद्धांत ना होकर चार्वाकों ने अभी प्रचलित किए हैं। इस प्रकार हमने चार्वाक दर्शन की प्रमाण मीमांसा तथा आचार मीमांसा को समझा, इसलिए हम भी तत्व अर्थ की अच्छी तरह विचार करके सत्य असत्य का निर्णय करके श्रेयस का मार्ग चुने और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त हो इसी मंगल में भावना के साथ अपनी वाणी को दान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आयुष जैन को जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे भरमप्पा जैन जिनका विषय है जैन न्याय का स्वरूप व उद्गम, तथा अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे नमन जैन जिनका विषय है जैन प्रमाण तत्व मीमांसा, और अब आए भाई भरमप्पा जैन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी सहकर्मियों को मेरा जय दिनंद। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है कि जैन दर्शन शास्त्र का परिचय, उसमें मेरा केंद्र बिंदु है जैन दर्शन का सामान्य स्वरूप व उद्गम। भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन का एक अलग अनोखा का ही महत्व है, जिसको जाने बिना हम जैन दर्शन के बारे में कुछ भी नहीं जाना, अतः हम जैन दर्शन के बारे में जानेंगे। पूर्व वक्ताओं ने जैन दर्शन का सामान्य स्वरूप बताते हुए कहा था कि दृष्टिपथ पदार्थों को यथार्थ जानने के लिए जो ज्ञान होता है उसे ही दर्शन कहते हैं। इन्हीं दृष्टिपथ पदार्थों को जो यथार्थ कहला है वही सच्चा दर्शन है, जिसमें प्रत्येक पदार्थों को जानने के लिए अनेकात्मक दृष्टि है जो किसी भी प्रकार का हटाग्रह और पक्षपात से परे हो, और वह केवल एक जैन दर्शन ही है। तो सामान्यतः जैन दर्शन का स्वरूप स्पष्ट है कि जो अनेक आत्मक दृष्टि से पदार्थों को जानता है, परंतु इसे नास्तिक दर्शन के अंतर्गत है क्योंकि वह वेदों को प्रमाण नहीं मानता है। उसकी विचारधारा में वेदों को कई स्थान नहीं परंतु चार्वाक दर्शन के स्थूल चिंतन का अपेक्षा सूक्ष्म चिंतन के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। जहाँ चार्वाक शरीर में ही आत्मा स्वीकारता है, तत्पर्य है कि शरीर को ही आत्मा मानता है, वही जैन दर्शन आत्मा को शरीर आदि से भिन्न अभौतिक तत्व स्वीकार है और वह भौतिक पदार्थ है तो उसके सम्मान नित्य है। वही वैदिक दर्शन में आत्मा को सर्वत्र अनित मानते हैं। जैसे वैदिक दर्शन का लक्ष्य तीन प्रकारों के दुख का अंत करके मुक्ति को प्राप्त कराना है, उसी प्रकार जैन दर्शन में भी आत्मा को दुख से मुक्त कराने का लक्ष्य है। अतः जैन दर्शन आस्तिक धारा का किंचित अनुकरण करता है, परंतु जैन दर्शन के सिद्धांत और चार्वाक तीन दर्शन के सिद्धांतों में कुछ साम्यता दिखती है, अतः जैन दर्शन का चार्वाक के अनंतर रखा है। अब प्रश्न उठ सकता है कि यह जैन दर्शन का उद्गम अर्थात उत्पत्ति कब हुई। वैसे तो जैन धर्म अनादि से है और शाश्वत है, कभी अंत नहीं होगा, परंतु इस समय उसके युग प्रवर्तक ऋषभ देव है जो तीर्थंकर थे और जिन्हें इतिहासकारों ने महापुरुष भी स्वीकार है। जैन दर्शन के तत्वों का मार्गदर्शन देने वाले तीर्थंकर संज्ञा पाते हैं और यह क्रमशः 24 होते हैं। इस काल में अंतिम तीर्थंकर वर्धमान भगवान है
जिनका परिचय भी उपलब्ध है। उन्होंने 32 वर्ष में गृह त्याग कर निर्ग्रंथ हो गए। तपस्वियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। उन्होंने कठोर तप करके केवल ज्ञान प्राप्त कर सर्वज्ञ कहलाए और उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से जगत को धर्म का उपदेश दिया। उनके उपदेश को चार भागों में विभिन्न किया, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग और 12 अंगों में उनके शिष्यों ने गुंता। उन्होंने अहिंसा आदि 5 व्रत का उपदेश दिया। जैन दर्शन में कालांतर में 2 भेद हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। परंतु जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय में दार्शनिक चिंतन पर्याप्त रूप में जाना जाता है। इसके मन वचकाय की चेष्टा का नियंत्रण भी आवश्यक बताया है। 14 गुणस्थानों को जीव की अवश्य का कथन किया जो दार्शनिक चिंतन का विषय है। जैन दर्शन के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, आरंभ काल जिसमें 1 सदी से लेकर 5वीं सदी तक जिसमें दिगंबर संप्रदाय का ही बोलबाल रहा। दिगंबर आचार्य उमास्वामी ने संपूर्ण जैन दर्शन का सारभूत तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का रचना की और उस पर अनेक आचार्यों ने टीका लिखी। कुनकुंदा आचार्य ने आध्यात्मिक ग्रंथों लिखे और जैन दर्शन में उनके सर्वोत्कृष्ट परमादरणीय माना है। समंत भद्र स्वामी की रचना का भी प्रभाव स्पष्ट था। उन्होंने अनेक ग्रंथ रचे, मध्यम काल 6वीं सदी से 9वीं सदी तक रहा। यह स्वर्ण काल था जिसमें अनेक मौलिक ग्रंथ रचे गए। न्याय की प्रमुखता रही। 10वीं सदी के बाद से अभी तक का काल आधुनिक काल रहा जिसमें प्रमाण नए तत्वालोकालंकार और प्रमाण मीमांसा जैसे महान ग्रंथों की रचना की जो अद्वितीय दार्शनिक रचना है। षड दर्शन समुच्चय, साद्वार मंजरी आदि में न्याय का गहनतस रहस्यों को खोला। अतः भाषा में न्याय शैली पूर्ण प्रभाव रहा। 17वीं शताब्दी से संस्कृत भाषा के साथ साथ हिंदी का ही प्रयोग करने लगे। इस प्रकार हमने जाना कि जैन दर्शन को जाने बिना दार्शनिक चिंतन नहीं है सकता। अतः हम भी जैन दर्शन को समझे इसी मंगल भावना से मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई भरमप्पा जैन को जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। और अब आए भाई नमन जैन जिनका विषय है जैन प्रमाण तत्व मीमांसा और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे भाई प्रतीक जैन जिनका विषय है बौद्ध धर्म का सामान्य स्वरूप। वंदित सर्व सिद्ध मंचाने सामान्य अध्यक्ष महोदय एवं मुख्य अतिथि और सभा में बैठे सभी भावी सिद्धों को शुद्धातम वंदन। आज की वर्तमान गोष्ठी का विषय दर्शन शास्त्र का परिचय जिसमें मेरा प्रतिपादक बिंदु है जैन दर्शन में तत्व मीमांसा और प्रमाण मीमांसा। सर्वप्रथम हम तत्व मीमांसा को समझते हैं। जैन दर्शन के अनुसार अखिल ब्रह्मांड में मूल्य 7 ही पदार्थ होते हैं, जीव अजीव आशा वन संबर निजरा मोक्ष शास्त्रम। अर्थात जीव अजीव आशा बन संबर निजरा मोक्ष। जीव ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मा को जीव कहते हैं और अजीव ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित तथा आत्मा से भिन्न सभी पदार्थ अजीव है। आश्रव जिन मोरागदेश भावों के निमित्त से ज्ञानवर्ण कर्म आते हैं उन मोरागदेश भावों को भाव आश्रव कहते हैं और उनके निमित्त पाकर ज्ञानवर्ण आदि कर्मों का स्वयं आना भाव द्रव्य संबर है। बंध द्रव्य आश्रव है। बंद आत्मा का ज्ञान मोरक देश पुण्य पाप आदि विकारी भावों का रुकना सो भाव बंद है और उसके निमित्त से और उसके निमित्त से पुद्गल का कर्म रूप बंधना सो द्रव्य बंद है। संबर पुण्य पाप के विकारी भावों का आत्मा के शुद्ध भावों से रोकना सो भाव संबर है। तदनुसार नए कर्मों का स्वयं आना रुकना भाव द्रव्य संबर है। निर्जरा ज्ञान स्वाभि आत्मा के लक्षण के बल से सर्वरूप स्थिरता की विद्धि द्वारा आंशिक शुद्धि की वृद्धि होना भाव निर्जरा है और उसके निमित्त पाकर जड़ कर्म का अस्तय खिरना द्रव्य निर्जरा है। मोक्ष
अशुद्ध अवस्था का सर्वथा नाश होना, आत्मा की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा का प्रगट होना सो भाव मोक्ष है, और उसके निमित्त कारण द्रव्य कर्म का सर्वथा नाश होना द्रव्य मोक्ष है। वास्तव में तो तत् साथ ही होते हैं, अन्य मत में बताया गया तत् उचित नहीं। जैन दश उन्हें मानकर हम अपने गहित मिथ्यात् का पोषण करते हैं। जैन दर्शन में तत् किसे कहते हैं ये तो हमने समझा, परंतु अब समझते हैं प्रमाण। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहा है। पर्थ अर्थात उत्कृष्ट, माँ अर्थात अंतरंग और भैरंग लक्ष्मी, आण अर्थात दिवधनी अर्थात उत्कृष्ट लक्ष्मी और उत्कृष्ट वाणी सहित सभी व्यक्ति अर्यंत भगवान ही है। इस प्रकार प्रमाण का अर्थ भी अर्यंत हुआ। वास्तव में तो जिससे अर्थ की सिद्धि हो वही प्रमाण है। जब प्रमाण के भेद पूछे गए तो आचार्य माणिक्य नंदी ने उत्तर दिया तद्वेदा। जब उनसे पूछा गया प्रमाण दो प्रकार का ही क्यों, तो पता लगा प्रमाण के समस्त भेद इन दो भेदों में ही आ जाते हैं। अब वे प्रमाण किसे कहते हैं, तो पहला प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। पहला प्रत्यक्ष विजदम प्रत्यक्षम, अर्थात जिस ज्ञान का प्रतिभाष निर्मल हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष दो प्रकार के होते हैं, विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। विकल्प प्रत्यक्ष एक देश प्रत्यक्ष, अर्थात इंद्र मन के निमित्त बिना जो ज्ञान पुद्गल को एक देश होता है वो विकल्प प्रत्यक्ष है। इसमें दो ज्ञान गर्भित होते हैं, पहला अवधि ज्ञान और दूसरा मने पर ज्ञान। और सकल प्रत्यक्ष वो सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ये तो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण। अब जानते हैं परोक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण की परिभाषा बताते हुए आचार्य माणिक्य नंदी ने कहा परोक्ष में दर्द, अतः जिस ज्ञान से प्रतिभाष निर्मल ना हो उसे परोक्ष कहते हैं। इसमें दो ज्ञान गर्भित होते हैं, शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान। इन दोनों ज्ञानों में इंद्र और मन निमित होते हैं, और शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। अधिक जानने के लिए सर्वसिद्धि आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करें। लोक व्यवहार के लिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष का, परीक्षामुख ग्रंथ में सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष को एक देश विषम ज्ञान कहा। इंद्र निमित्तम सामव्यवहारिकम, वास्तव में देखा जाए तो यही ज्ञान प्रमाण है। अन्य मतों में जो ज्ञान माने जाते हैं वह सब दूषित है। इस प्रकार हमने जाना जैन दर्शन में तत्वमीमांसा और प्रमाण मीमांसा। हमें सम्यक रूप से निर्णयात्मक बुद्धि द्वारा तत् और प्रमाण मीमांसा करते हुए शीघ्र ही मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्णन करें, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय बहुत बहुत धन्यवाद नमन जैन को, उसने अपना विषय प्रस्तुत किया। पूर्व सूचना के अनुसार आपको किसी एक को मुख्य बिंदु बोलना है। मुख्य बिंदु आयुष हटा का मुख्य विषय है चार्वाक दर्शन और उसका तत्वमीमांसा। उसकी मुख्य बिंदु बताने के लिए मैं बुला रहा हूँ आकाश जैन रामायण आए और आयुष हटा का मुख्य बिंदु बताएं। चार्वाक दर्शन और तत्वमीमांसा। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज की गोष्ठी का विषय है दर्शन शास्त्र का परिचय, उसमें से आयुष जैन हटा चार्वाक दर्शन मीमांसा इनका विषय था। इनने बताया था कि चार्वाक दर्शन के अन्य दो नाम हैं लोकायत और बृहस्पति, फिर इनकी उन्होंने उपयोगिता सिद्ध की थी। फिर इसके बाद बताया था कि इसके संस्थापक बृहस्पति ने, इसलिए इसका नाम बृहस्पति रखा गया है। बृहस्पति इसके लिए इसका नाम बृहस्पति रखा गया है। और फिर इसके बाद उन्होंने बताया था कि इसका मुख्य सिद्धांत है खाओ पियो और मौज करो। और इसके बाद बताया था इन्होंने
कि बृहस्पति के शिष्य का नाम चार्वाक था, इसलिए इसका दूसरा नाम एक चार्वाक भी रखा गया। फिर चार्वाक का उन्होंने दूसरा अर्थ भी बताया था कि बाघ सुनने में प्रिय लगते थे अर्थात चारू लगते थे, इसलिए इसका नाम चार्वाक रखा गया। जो चार्वाक दर्शन वाले हैं वो चार पुरुषार्थ जो होते हैं उनमें से दो पुरुषार्थ को नहीं मानते हैं, केवल दो ही पुरुषार्थ को मानते हैं, धर्म एवं मोक्ष को वो नहीं मानते हैं। फिर उन्होंने बताया था कि इनका साहित्य, तो इन इसके इस चार्वाक दर्शन के साहित्य में उन्होंने बताया था कि सूक्तिसेन तत्वोपलब्धि सिंधु नामक ग्रंथ हैं, वह इनके साहित्य मुख्य हैं, इनके धर्म में ये दो ग्रंथ मुख्य हैं। फिर इसके बाद उन्होंने बताया था कि इसकी प्राचीनता कितनी है, इसका क्या इतिहास है, तो बताया था कि रामायण में इसको मैं इनको मिथ्या दृष्टि की संज्ञा दी गई है, तो इससे इनका इतिहास पता पड़ता है कि कितने पुराने हैं। फिर जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन इत्यादि अनेक दर्शनों में इनका उल्लेख भी मिलता है। फिर ये जीव को चार तत्वों से बना हुआ मानते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये चार तत्व हैं, इनसे ही जीव बना हुआ है। इस प्रकार आयु जैन के मुख्य बिंदु थे। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश रामायण को। अब आए प्रतीक जैन, उसका विषय है बौद्ध दर्शन और उसका सामान्य स्वरूप, और आगाम वक्ता के रूप में तैयार है लक्ष्य जैन और उसका विषय है बौद्ध दर्शन आचार मीमांसा व शून्यवाद। ओम नमः सिद्धेय। आज की वर्तमान गोष्ठी का मेरा विषय है बौद्ध दर्शन का सामान्य स्वरूप। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत देश में 9 प्रकार के दर्शन कहे गए हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चार्वाक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत दर्शन। उसमें जैन दर्शन का स्वरूप अभी हमने पूर्व वक्ताओं से विस्तार में समझा। अब हम समझेंगे कि बौद्ध दर्शन का सामान्य स्वरूप क्या है। बौद्ध दर्शन का सामान्य स्वरूप समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि गौतम बुद्ध कौन है, क्योंकि गौतम बुद्ध से ही बौद्ध दर्शन का प्रारंभ हुआ था। इसे बौद्ध दर्शन का स्वरूप हम 5 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला, गौतम बुद्ध का स्वरूप। संस्थापक गौतम बुद्ध का चरित्र नितांत विख्यात है। उनका जन्म 505 विक्रम पूर्व की वैशाखी पूर्णिमा को सांख्य वंश में हुआ। उनकी माता का नाम था माया देवी और पिता का नाम था शुद्धोधन। उनका पूर्व नाम था सिद्धार्थ। 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पत्नी के प्रेम, नवजात शिशु तथा राज्यपाट के विशाल वैभव को ठुकरा कर महाभिनिष्क्रमण किया। महाभिनिष्क्रमण अर्थात सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया। 25 साल की अवस्था में अपने प्रज्ञा के प्रकाश अर्थात ज्ञान से गौतम बुद्ध ने उर्वेल में 4 आर्य सत्य की अनुभूति करके 471 पूर्व विक्रम पूर्व की वैशाखी पूर्णिमा को बुद्धत्व प्राप्त किया। अब हम समझेंगे कि बौद्ध धर्म का सामान्य स्वरूप क्या है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार बुद्ध धर्म का उदय जैन धर्म के अनंतर हुआ। जैन अंगों में बुद्ध धर्म की विषय उल्लेखों का दृष्टिगोचर होता है। बुद्ध धर्म के 2 रूप इतिहास के पृष्ठों में मिलते हैं। पहला है शुद्ध धार्मिक रूप, जिसमें आध्यात्मिक तत्वों के रहस्य उद्घाटनों को आवश्यक न मानकर आचार मार्ग को जनता के कल्याण के लिए सरल रीति से प्रतिपादन किया गया है। दूसरा है दार्शनिक रूप, जिसमें बौद्ध तत्व विवेचकों ने बुद्ध की आचार शिक्षा के तह में रहने वाले सूक्ष्म सिद्धांतों का तर्क, निशांत बुद्धि से गहरा अनुशीलन, बुद्ध धर्म की धुंधली दार्शनिक रूपरेखा से दिखलाया है। बौद्ध धर्म की 4 उप संप्रदाय कही गई है। पहला है सौत्रांतिक, दूसरा है माध्यमिक, तीसरा है वैभाषिक और चौथा है योगाचार। बौद्ध धर्म के अनुसार तत्वों की संख्या 75 प्रकार की बताई गई है। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत ग्रंथ है त्रिपिटक, अर्थात 3 प्रकार के पिटक। पहला सूत्र पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। तृष्णा अर्थात किसी वस्तु के प्रति चाह रखना, उसका क्षय ही मोक्ष का साधन है, ऐसा बुद्ध धर्म के लोग मानते थे, यही सुख का साधन है। प्रमाण को बताते हुए बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि अभिसंवादी ज्ञानम प्रमाणम,
अभिसंबंधी ज्ञान ही प्रमाण है। प्रमाण को बताते हुए दो प्रकार बुद्ध ने कहे गए हैं, पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान। बौद्ध धर्म के चार प्रमुख सिद्धांत हैं, पहला क्षणिकवाद, दूसरा अनात्मवाद, तीसरा विज्ञानवाद और चौथा शून्यवाद। बुद्ध धर्म के आचार प्रधान शिक्षाओं के मूल दो दार्शनिक सिद्धांत प्रधानता दृष्टिकार होते हैं, पहला संगातवाद और दूसरा संतानवाद। अब हम समझेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार हुआ था। आजकल महायान का प्रचार, यहाँ महायान बौद्ध धर्म को प्रमाणता दी गई है। भारत के उत्तरी प्रदेशों जैसे चीन, तिब्बत, मंगोलिया, जापान में इसका प्रचार हुआ था। अब हम समझेंगे कि प्रमुख सिद्धांत बौद्ध धर्म का क्या था। बुद्ध के मत के अनुसार चार आर्य सत्य ही प्रमुख सिद्धांत था, पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोधगामिनी, अर्थात संसार दुखमय है और निदान ही दुख का कारण है। बुद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष के लिए अष्टानिक प्रकार कहे गए हैं, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मातनम, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। जीव की मुक्ति के निरूपण करने के विषय में इसके तीन मत कहे गए हैं, श्रावक बोधि, प्रत्येक बुद्ध बोधि और सम्यक संबोधन। इस प्रकार हमने समझा कि प्रमुख सिद्धांत क्या है। बीच में बात आती है कि बौद्ध धर्म यह मानता है कि अभिसंवादी ज्ञान ही प्रमाण है, पर इसमें जैन धर्म में कोई प्रमाणता नहीं दी गई है। इस प्रकार हम भारतीय दर्शनों का स्वरूप समझकर सत्य का निरूपण करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रतीक जैन को, जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। और अब आए भाई लक्ष्य जैन, जिनका विषय है बौद्ध धर्म आचार मीमांसा व शून्यवाद, तथा अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे भाई ऋतिक जैन अमरमऊ, जिनका विषय है सांख्य मत का सामान्य स्वरूप। आदरणीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों को मेरा सादर जय जिनेन। आज की इस गोष्ठी का विषय दर्शन शास्त्र का परिचय है, जिसमें मेरा मुख्य बिंदु बौद्ध धर्म आचार्य मीमांसा और शून्यवाद है। आज आचार्य मीमांसा और शून्यवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। कर्तव्य शास्त्र के विषय में बौद्ध ने इन चार आर्य सत्यों को अपने चार आर्य सत्यों इन कर्तव्य बुद्धि से, विवेक बुद्धि से रहस्योद्घाटन किया है। इस संसार में जीवन दुखों से परिपूर्ण है, इन दुखों का कारण विद्वान है और इन दुखों से वास्तविक मुक्ति मिल सकती है। इन दुखों से निरोध प्राप्ति मिल सकती है और इनका उचित उपाय ये मार्ग है। सत्यों की संख्या अनंत है, परंतु मुख्य प्रकार से जानने से सत्य चतुष्टय सर्वश्रेष्ठ है। चंद्रकीर्ति की कथानुसार इन सत्यों को आर्य कहने का अभिप्राय यह है कि आर्य लोग ही इन सत्यों की तह तक पहुंच सकते हैं और इस दुग्मय जगत का प्रतीक्षण निरीक्षण करते हैं तथा इस दुग्मय जगत को सत्यों की तह तक पहुंचाते हैं। प्रथम आर्य सत्य दुख है तथा द्वितीय आर्य सत्य दुख निरोध है। दुखों की श्रृंखला बहुत बड़ी है, लेकिन हम द्वादश निदानों के द्वारा इन दुखों को समझेंगे। जरावरण जाति भव उपादान तृष्णा वेदना स्पर्श षडायतन नाम रूप विज्ञान संस्कार अविधा, इन्हें द्वादश निदानों का दूसरा नाम प्रतीति समुत्पाद है, जो बौद्ध धर्म का मौलिक सिद्धांत है माना जाता है। सत्य आर्य सत्य दुख निरोध या निर्वाण है। अविधा का विधा के द्वारा निरोध कर देने पर दुख निरोध अवश्य हो जाता है। चतुर्थ आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिबद्ध व निर्वाण मार्ग है। बुद्ध ने सुख समृद्धि से जीवन यापन करने वाले भोग विलासी लोगों को तथा जो अपनी काया को सुखाकर कांटा बना देते हैं उनके जीवन के निर्माण के बारे में के लिए सहायक नहीं माना है, अपितु मध्यम मार्ग को ही अपनाया, उसी को खोजा है। बुद्ध का मार्ग उपनिषद से प्रतिपादित मार्ग से एकांत भिन्न है। रीते ज्ञानना मुक्ति, यह सिद्धांत बुद्ध को भी सर्वथा मान्य था, परंतु शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक उसकी धारणा करने का सामर्थ्य शरीर में न हो।
शरीर में ना हो। इसके बुद्ध ने भी शील के द्वारा शरीर के शोधन पर विशेष जोर दिया है। बौद्ध दर्शन में तीन साधन होते हैं, प्रज्ञाशील, समाधि तथा प्रज्ञा। अब हम शील के बारे में समझेंगे। शील के अहिंसा, असत्य, सत्य भाषण तथा नशा का सेवन न करना, ये पंचशील कहे जाते हैं। अब समाधि के भी तीन प्रकार होते हैं, पूर्व जन्म की स्मृति, जीव की उत्पत्ति तथा उसके विनाश का कारण चित्त के बाधक विषयों की जानकारी। प्रज्ञा के बारे में समझेंगे। प्रज्ञा तीन प्रकार की होती है, शुद्धमय, चिंतामय तथा भावनामय। शून्यवाद के बारे में समझेंगे। शून्यवाद अपने मत को ही शून्यवाद के नाम से पुकारते हैं। शून्यवाद का तथ्य क्या है? तो विद्वान शून्यवाद का अर्थ बिल्कुल सत्ता का निराश मानते हैं। शून्य शब्द का अर्थ सत्ता निराश के अर्थ में नहीं होता है। शून्य का अर्थ इस प्रत्यक्ष जगत से परे पारमार्थिक सत्ता वर्तमान के लिए अवर्णनीय है। किसी पदार्थ के स्वरूप का निर्णय करने के चार कोटियों का प्रयोग किया जाता है, आस्ति नास्ति तदुन्मय तथा न आस्ति न नास्ति। परम तत्व का निर्णय इन कोटियों की सहायता से नहीं होता है। शून्यवाद माध्यम मार्ग का ही नाम है। वस्तुओं के दो ही रूप होते हैं, वह है भाव रूप और अभाव रूप। भाव रूप जो वस्तु विद्वान होती है उसे भाव रूप कहते हैं, और जो वस्तु विद्वान नहीं होती है उसे अभाव रूप होते हैं। और परम तत्व की ही सत्यता सभी को माननी है। परम तत्व की सत्यता स्वरूप अकथनीय है तथा अज्ञेय है। हम न तो यह कह सकते हैं कि यह सत्य है और न असत है। इस और शून्यवाद का तात्पर्य है कि सूचना देना, अर्थात इस सभी हम भी अन्य मतों को समझेंगे, जानेंगे जैन दर्शन से वह कैसे अलग है उसको समझेंगे तथा उसको जानकर ही जानेंगे और सम्यक ज्ञान रूप रत्न को धारण करेंगे। इसी मंगल भावना से अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष जैन को, उसने अपना विषय प्रस्तुत किया। अब आए ऋतिक अमरमो, उनका विषय है सांग दर्शन उसका सामान्य स्वरूप, और आगाम वक्ता के रूप में तैयार है स्वयं तिगोड़ा, उसका विषय है सांग दर्शन तत्व प्रमाण मीमांसा। अब आए ऋतिक अमरमो। सम्मान्य मंच, सभा में बैठे सभी साधारणियों को मेरा साधारण जन्म प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय दर्शन शास्त्र का परिचय, जिसमें मेरा केंद्रीय बिंदु है सांग दर्शन का सामान्य स्वरूप। सांग दर्शन को हम चार बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला इसका सामान्य स्वरूप और नामकरण, दूसरा प्रसिद्ध आचार और उनकी रचनाएं, तीसरा इसके तत्व, और चौथा है इसकी मिथ्या मान्यताओं का खंडन। पहला सामान्य स्वरूप एवं इसका नामकरण। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शनों में अत्यंत प्राचीन एवं महत्वपूर्ण दर्शन माना जाता है। इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल माने जाते हैं। सांख्य दर्शन ने सर्वप्रथम सभी तत्वों का परिग्रहण या गिनती किया, जिसका ज्ञान हमें होने से मोक्ष की ओर जाते हैं हम। इसके नाम की व्याख्या हमें अनेक प्रकार से प्राप्त होती है, जिनमें से दो प्रकार की व्याख्या इस प्रकार है कि पहली व्याख्या है कि गिनती को ही संख्या कहते हैं। अब इसमें संख्या की प्रधानता होने से इसका नाम सांख पड़ा। और दूसरी व्याख्या इससे भी सुंदरतम है। दूसरी व्याख्या है कि संख्या अर्थात विवेक ज्ञान, व्यक्ति और पुरुष के संबंध में अज्ञान होने से इसका व्यक्ति और पुरुष के संबंध में अज्ञान होने से यह संसार है, और इन दोनों के विवेक को जान लेने से यह संसार मिट जाता है। अर्थात व्यक्ति और पुरुष के भिन्न हूँ और स्वतंत्र हूँ ऐसा जानने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसमें विवेक ज्ञान की प्रधानता होने से इसका नाम सांख पड़ा। अब इसमें कुछ मिथ्यात्व का भी पोषण किया जाता है, जैसे इसमें देव का स्वरूप कई प्रकार से मिलता है कि कितने ही ईश्वर को नहीं मानती, कितने ही एक पुरुष को ईश्वर मानते हैं, कितने ही शिव को और कितने ही नारायण को ईश्वर मानते हैं। और इसी प्रकार गुरु का भी स्वरूप बताया है कि कितने ही जटा धारण करते हैं, कितने ही चोटी मानते हैं, कितने ही मंडल रहते हैं और कितने ही कथई वस्त्र धारण करते हैं। पर जो
तत्व ज्ञान के आश्रय से महंत कहलाते हैं। अब दूसरा मृदु है बिंदु है प्रसिद्ध आचार्य एवं उनकी रचनाएं। तो इसमें अनेक आचार्य हुए, उनमें से 6 आचार्य मुख्य हैं। पहले महर्षि कपिल, ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं और इन्हें दर्शन जगत में आदि विद्वान कहा जाता है। इनकी दो रचनाएं तत्व समास और दूसरी है सांख्य सूत्र। इस पर अनेक टीकाएं हैं जिनमें से कुछ टीकाएं इस प्रकार है। शिवानंद कृत सांख्य तत्व विवेचन और भावा गणेश कृत सांख्य तत्व यथार्थ दीपन। अब दूसरे आचार्य हैं आसुरी, ये कपिल के शिष्य थे। इनकी टीकाएं तो नहीं टीका इनकी रचना की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन इनका सूत्र श्याद मंजरी में एक सूत्र प्राप्त हो एक श्लोक प्राप्त होता है। अब तीसरे हैं पश्चिक, इनका ये असुरी के शिष्य थे और ये सांख्य दर्शन को समृद्ध एवं प्रतिष्ठित बनाने वाली प्रथम आचार्य थे। इनकी पंच षष्ठ तंत्र नाम की रचना है। और चौथे हैं ईश्वर कृष्ण, इनका सांख्य कारिका संख्याओं का महत्वपूर्ण एवं प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसे चीनी भाषा में सुवर्ण सप्तति भी कहते हैं। कारिका की अनेक टीकाएं हैं जिनमें से आचार्य माठा कनिष्क की माठा व्यक्ति गौण पाद भाष। अब हम तीसरा बिंदु तत्व, तो इसमें 25 तत्वों को माना जाता है जिनके नाम इस प्रकार पुरुषपक्ति महत्व अहंकार मन ए 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय 5 तन्मात और 5 महाभूत। इनका स्वरूप अग्रम वक्ता बताएंगे। अब पांचवा 14 बिंदु है मिथ्या मान्यताओं का खंडन। इसमें दो बातें आई हैं, इसमें देव और गुरु का स्वरूप सच्चा मतलब निश्चित नहीं है और जिसके कारण इस दर्शन को मानने वाले लोग कुगुरु और कुदेव का पोषण करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह मात्र झूठा है। और दूसरा है कि इसमें 25 तत्व हैं, इसमें 25 तत्व माने जाते हैं लेकिन इसमें जैन धर्म के अनुसार 7 तत्व ही हैं, 25 तत्व नहीं है। और इसके तत्व में अहंकार मन तन आदि को समाहित किया गया है, लेकिन जैन धर्म में इनको माना नहीं गया है, इसलिए ऐसा दोता है कि यह तत्व सर्वथा झूठा है। अतः हम सब संघ दर्शन जैसे दर्शनों को छोड़कर जैन धर्म को आशय से मुक्त लक्ष्मी को वर्णन करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को नाम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ऋतिक जैन को, जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। तथा अब तैयार रहें भाई संयम जैन और अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार। संयम जैन का जो विषय है वह है सांख्य तत्व प्रमाण मीमांसा। तथा अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहें शुभम जैन दिल्ली, जिनका विषय है सांख्य धर्म का सत्कार्यवाद सूक्ष्म शरीर निरूपण। जय श्री ओम नमस्ते। सम्मानीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी दर्शन शास्त्र एक परिचय, जिसमें मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है सांख्य दर्शन में तत्व मीमांसा एवं प्रमाण तत्व मीमांसा। सर्वप्रथम हम तत्व मीमांसा समझेंगे। सांख्य दर्शन में तत्वों का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया गया है। इसमें 25 प्रकार के तत्व कहे हैं। यह तत्व ऐसे हैं जिनका ज्ञान करने से चाहे कोई पुरुष हो, आश्रम में रहने वाला हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो या ग्रस्त हो, सारे दुखों से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह 25 प्रकार के तत्व निम्न हैं। पहला पुरुष, दूसरा प्रकृति, तीसरा महत्, चौथा अहंकार। सांख्य दर्शन में 11 प्रकार की इंद्रिय कही हैं, जिनमें 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 मन। 5 कर्मेंद्रिय में वाक, पाणी, पादु, पायु और उपस्थ। 5 ज्ञानेन्द्रिय में रसना, ग्राण, चक्षु, कर्ण और त्वक। 5 प्रकार के तन्मात्र हैं, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, शब्द और रूप। और 5 प्रकार के महाभूत कहे हैं, जिनमें पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और तेज। अब इनका वर्गीकरण 4 रूपों में किया गया है। पहला, इनमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो कारण तो हैं लेकिन कार्य नहीं है। दूसरा,
इनमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो उत्पन्न तो होते हैं लेकिन उत्पादक नहीं है। तीसरा, इनमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो कारण भी हैं और कार्य भी है, अर्थात उत्पन्न भी होते हैं उत्पादक भी है। चौथा, इनमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो ना तो कारण है और ना कार्य है। अब हम प्रमाण तत्व मीमांसा समझेंगे। सांख्य दर्शन में तीन प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं, पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा शब्द। पहला प्रत्यक्ष, इंद्रियों के किसी भी विषय के संयोग से जो साक्षात ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। सांख्य दर्शन इसे इस प्रकार मानता है कि जैसे हमारे सामने एक वृक्ष खड़ा है, जैसे हमने उसे देखा तो ही हमारी नेत्र इंद्रिय का संयोग उस वृक्ष के साथ हुआ। नेत्र इंद्रिय इसे मन के सामने प्रस्तुत कर दिया है। मन अपने अपना व्यापार करता है, अर्थात उसका व्यापार संकल्प करना क्या वृक्ष है कि कुछ और है, वह इसे बुद्धि के सामने प्रकट करता है। बुद्धि अब वृक्ष का रूप धारण कर लेती है और उसके ऊपर पुरुष के चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे यह निर्णय हो जाता है कि हाँ यह वृक्ष ही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धि जड़ात्मक होती है, उससे ज्ञान का उदय कैसे हुआ? तो सांख्य दर्शन के अनुसार बुद्धि के ऊपर पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा। क्योंकि पुरुष चेतनमय होता है तो उसका बुद्धि के ऊपर प्रतिबिंब पड़ने से बुद्धि भी चेतनमय हो गई और बस हमें निर्णय हो गया कि हाँ यह वृक्ष ही है। दूसरा है अनुमान। न्याय दर्शन में तीन प्रकार के अनुमान कहे हैं, सांख्य दर्शन को भी है मान्य है। उसने इसे दो तरीके से माना है, एक वीत एक अवीत। वीत में आता है पूर्ववत और सामान्य अपोदृष्ट और अवीत में आता है शेषवत। सर्वप्रथम पूर्ववत समझेंगे। जिस पदार्थ का विशेष ज्ञान हमने पहले से प्रत्यक्ष कर लिया हो और उसका आधार लेकर उसके सामान्य ज्ञान से युक्त तो विशेष का ज्ञान करना वह पूर्ववत होता है। दूसरा सामान्य अपोदृष्ट, जिस वस्तु का विशेष ज्ञान हमने पहले से प्राप्त नहीं किया हो और ना ही हम कर सकते हैं। जैसे हमारी इंद्रिय है, इंद्रिय का प्रत्यक्ष ज्ञान हम नहीं कर सकते। हमारी आँख को कैसे देख सकती है? इसका ज्ञान हमें अनुमान से होता है और इसका ज्ञान जिस अनुमान से होता है उसे सामान्य तो दृश्य कहते हैं। दूसरा अवीत, अवीत को ही शेषवत कहते हैं। यह अनुमान वहां होता है जहां बहुत सी वस्तुएं छाड़ने पर कोई एक वस्तु शेष रह जाए, वहां शेषवत होता है। तीसरा लक्षण है शब्द, आप्तवचन को ही शब्द कहते हैं। आप्तवचन अर्थात सम्मानीय विश्वसनीय पुरुषों द्वारा कहे गए आप्तवचन, वो आप्तवचन कहलाते हैं, वही प्रमाणिक माने जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला लौकिक दूसरा वैदिक। पहला लौकिक, लौकिक में ऐसे सामान्य पुरुषों द्वारा कहे गए वचन वह लौकिक कहलाते हैं। इन्हें प्रमाण की दृष्टि में नहीं रखा गया है क्योंकि यह प्रत्यक्ष अनुमान पर निर्भर रहते हैं। दूसरा वैदिक, वैदिक को ही प्रमाण की दृष्टि में रखा गया है, उसे श्रेणी में भी रखा गया है क्योंकि यह एक अपौरुषीय ग्रंथ है। कुछ दर्शन मानते हैं कि इसकी रचना स्वयं ईश्वर ने की है, तो सांख्य दर्शन के अनुसार जब ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है तो उसके द्वारा ग्रंथ की रचना कैसे हो गई? तो इससे सिद्ध होता है कि यह एक अपौरुषीय ग्रंथ है और यही एक शब्द प्रमाण में आता है। अब सांख्य दर्शन में कुछ भ्रांतियां चलती हैं जिनका निराकरण पंडित टोडामल जी ने मोक्ष और प्रकाशन में दिया है, जिनके कुछ तत्व मैं इधर प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला, सांख्य दर्शन बुद्धि को जड़ात्मक मानता है, लेकिन टोडामल जी बोलते हैं कि बुद्धि का नाम ही तो ज्ञान है और यह ज्ञान गुणधारी में दिखाई देती है तो यह जड़ कैसे हो गई? और दूसरा यह मानते हैं कि एक जो प्रकृति है वह पुरुष की भूल है, जैसे व्यंतर आदि देव आके किसी में भी लग जाते हैं वैसे यह प्रकृति लग गई है। तो टोडामल जी बोलते हैं कि जब लग गई है तो प्रकृति से हमें जो बुद्धि प्राप्त हुई है, इंद्रिय प्राप्त हुई है, वह कैसे प्राप्त हो सकती है? अतः यह भी असत्य है। और तीन प्रकार के प्रमाण कई हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। हमें इनका ज्ञान, इनकी सत्यता असत्यता का ज्ञान जैन शास्त्रों को पढ़कर करना चाहिए। अतः हम जैन शास्त्र पढ़ें, उनका स्वरूप समझें, उसमें रमें, इसी मंगल भावना से मैं वाणी की उड़ान लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद संयम जैन को, उसने अपना विषय प्रस्तुत किया। अब आए शुभम दिल्ली, उसका विषय है सांख्य दर्शन तत्कार्यवाद सूक्ष्म दर्शन सूक्ष्म शरीर और उसका निरूपण। और आगामी वक्ता के रूप में तैयार है शुभम जैन गड़ाकोटा, उसका विषय है दर्शन शास्त्र की उपयोगिता। अब आए शुभम जैन। ओम नमः सिद्धेव्य। सम्मान्य मंच एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जयजमान। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय दर्शन शास्त्र का परिचय है, जिसे मेरा केंद्र बिंदु सूक्ष्म सत्य कार्यवाद व सूक्ष्म शरीर है। यह विषय सांख्य दर्शन के अंतर्गत आता है। अपना विषय प्रारंभ करने के पूर्व सांख्य दर्शन के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन प्राचीनतम दर्शन है, इसके प्रणेता कपिल हैं। सांख्य शब्द की उत्पत्ति
सम उपसर्ग पूर्वक श्या धातु से होती है। इसके इसी दर्शन में ईसा पूर्व की द्वितीय शताब्दी में ईश्वर कृष्ण नाम के दार्शनिक विज्ञान हुए जिन्होंने सत्य कार्यकाया की रचना की। इन्होंने ही सत्य कार्यवाद को सिद्ध किया। अतः इस विषय को उन्होंने पांच बिंदु द्वारा सिद्ध किया। पहला, असत करनात अर्थात जो नहीं है उसमें उपादान क्षमता का अभाव होता है जैसे खरगोश के सींग। दूसरा, उपादान ग्रहणात अर्थात हर प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में उसके उपादान को ग्रहण किया जाता है जैसे कपड़े की उत्पत्ति में तंतु। तीसरा, सर्व संभव अभावात अर्थात किसी कोई भी कारण किसी भी कार्य की उत्पत्ति में समर्थ नहीं होता। चौथा, शक्तस्य शक्य करनात अर्थात किसी भी कारण में तत्संबंधी कार्य करने की उत्पत्ति की क्षमता नहीं होती। पांचवा, कारण भावात अर्थात कार्यकरण में तादाद में संबंध होता है। यदि कारण है तो तादाद में संबंध होने से कार्य भी विद्यमान होता है। अतः इन पांच कारणों द्वारा सत्य कार्यवाद की सिद्धि करते सांख्य दर्शन में प्रकृति मधादी रूपों में व्यक्त होती है। मधादी तत्व इस प्रकार हैं। पहला, महत तत्व, यह त्रिगुणात्मक है। यह प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण प्रकृति रूप है तथा अहंकार आदि तत्व इससे उत्पन्न होने के कारण यह विकृति रूप भी है। दूसरा, अहंकार तत्व, यह इसकी उत्पत्ति बुद्धि से होती है। मैं और मेरा ऐसा अभिमान करना ही अहंकार का रूप है। इसी अहंकार में पुरुष नाना प्रकार के भ्रमों में पड़ता है और अपने विषय में भ्रांत धारणा बनाता है कि मैं ही भोक्ता, मैं ही कर्ता और मैं ही स्वामी हूँ। तीसरा, इंद्रियां, सांख्य दर्शन में 11 इंद्रियां मानी गई हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और मन। यह भी अहंकार से उत्पन्न होने के कारण विकृति रूप है। चौथा, तन्मात्र, सांख्य दर्शन में 5 तन्मात्राएं मानी गई हैं, स्पर्श, शब्द, रूप, रस तथा गंध। ये भी अहंकार से उत्पन्न होने के कारण विकृति रूप हैं तथा पंचभूत में स्थूल रूप में दिखाई देने से ये प्रकृति रूप भी हैं। पांचवा, पंच महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल व पृथ्वी, ये क्रमशः 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न होने के कारण ये भी प्रकृति रूप है। इस प्रकार ईश्वर कृष्ण ने सत्य कार्यवाद की सिद्धि की। अब बात आती है सूक्ष्म शरीर की। सांख्य दर्शन की सामान्यता है कि एक जन्म में मुक्ति संभव नहीं है। इसी विचारधारा के कारण सांख्य मत की ऐसी सामान्यता है कि जब चेतन जीवात्मा अनेक जन्म ग्रहण करता है तब प्रकृति बुद्धि आदि भाव एक साथ एक शरीर में अन्य शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह प्रक्रिया स्थूल शरीर में होती है। सूक्ष्म शरीर में 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं मन, बुद्धि आदि अहंकार तत्व होते हैं। सूक्ष्म शरीर ही पुरुष को भोग के लिए नाना प्रकार के शरीर धारण करवाता है। स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर का भाव संभव नहीं है। स्थूल शरीर का अभाव होना संभव नहीं है। कर्म के संसारवश भोग का अभाव होना संभव नहीं है और विधेय मुक्ति संभव नहीं है। जब संसार का नाश होता है तब शरीर का नाश होता है और जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। अतः सांख्यमत, ये सब सांख्यमत का मानना है। परंतु हमारा सांख्यमत हमारे जैन धर्म के विरुद्ध है क्योंकि हमारे जैन धर्म में कहा है कि एक जन्म में मुक्ति संभव है। अतः सांख्यमत कोई तो भगवान को मानता नहीं है, एक ही पुरुष को भगवान मान लेता है जैसे नारायण आदि। परंतु हमारे जैन धर्म में कहा है कि कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ व आत्मध्यान करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और इसी प्रकार हम भी आत्मध्यान करें, पुरुषार्थ करें और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शुभम जैन को जिन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया। और अब आए भाई शुभम जैन गड़ाकोटा जिनका विषय है दर्शन शास्त्र की उपयोगिता और अग्रिम अंतिम वक्ता के रूप में तैयार रहे तात्कालिक वक्ता भाई सजल जैन जिनका विषय है गीता दर्शन योग मीमांसा।
ओम नमः सिद्धिव्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधारण भाई बहनों को मेरा शुद्धात वंदन। प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय दर्शन शास्त्र का परिचय। इसमें मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है दर्शन शास्त्र की उपयोगिता। सर्वप्रथम हम यह समझेंगे कि दर्शन शास्त्र की व्युत्पत्ति कैसे हुई और दर्शन शास्त्र की व्युत्पत्ति कैसे हुई। दर्शन शास्त्र दर्शन शब्द दस धातु से करण अर्थ में लुट प्रत्यय से इसकी उत्पत्ति हुई। इसका अर्थ है देखना और अवलोकन करना। तो इसको हम पांच बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। सर्वप्रथम स्वामत मंडन परमत खंडन और दूसरा बिंदु दर्शन शास्त्र दुख की निवृत्ति और सुखी होने के लिए होता है और तीसरा दर्शन शास्त्र परीक्षा प्रधानी होने की शिक्षा देता है। चौथा बिंदु है व्यंजानंत दोष गुणन को कैसे तजिए गई है और पांचवा बिंदु दर्शन शास्त्र वाद विवाद का विषय नहीं है। तो सर्वप्रथम पहले बिंदु को समझते हैं स्वामत मंडन परमत खंडन। दर्शन शास्त्र के माध्यम से हम वास्तविक दर्शन का स्वरूप समझते हैं। इसमें छह दर्शनों का वर्णन किया गया है जो हम अन्य वक्ताओं के माध्यम से सुन चुके हैं जिनके माध्यम से हम अन्य दर्शनों के दर्शनों का क्या अभिप्राय हम उसको समझ सकते हैं और जो अन्य दर्शनों में तत्वमीमांसा प्रमाणमीमांसा और आचार मीमांसा की गई है और जो मोक्ष का स्वरूप बताया गया है उसका हम सही भाव समझकर और अपने धर्म की परीक्षा कर सकते हैं और अन्य मतों में जो कल्प स्वरूप है उसका भी हम खंडन कर सकते हैं। और जो दर्शन शास्त्र हमें इसलिए पढ़ना आवश्यक है क्योंकि इससे हमारे धर्म की परीक्षा हो जाती है कि हमने हमारे धर्म में क्या सच्चा है और क्या झूठ उनके धर्म में क्या झूठा है। तो अब हम दूसरे बिंदु को समझते हैं दर्शन दुख की निवृत्ति और सुख के लिए होता है। सभी दर्शनों का उद्देश्य तो यही है कि हमारे जीवन में सुख हो दुख ना हो। तो इसके लिए उन्होंने प्रमाण मीमांसा आदि का सूक्ष्म निरूपण भी किया है इसके लिए और परंतु वे फिर भी उसके अटल सत्य पर नहीं पहुंच पाए जिस पर हमारा जैन दर्शन पहुंच चुका है। हमारे धर्म में जो तत्व की मीमांसा कही गई है उसका अगर यदि हम वास्तविक स्वरूप समझेंगे तो हम वास्तव में सुख ही होने का मार्ग हमें मिल सकता है और हमारा प्रयोजन भी यही है मात्र सुखी होना। अब हम तीसरे बिंदु को समझते हैं पर दर्शन शास्त्र परीक्षा प्रधानी बनने की शिक्षा देता है। तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी सर्वश्रेष्ठ होता है। अतः स्पष्ट है कि रूढ़िवादी से किसी भी धर्म को मानना वह ठीक नहीं है। उस धर्म को समझने के लिए उसका ज्ञान सच्चा ज्ञान होना वह जरूरी है और वह सच्चा ज्ञान मात्र परीक्षा से ही हो सकता है। और हम अन्य धर्म दर्शन शास्त्र के माध्यम से अन्य धर्मों को पढ़कर हम अपने धर्म का प्रेक्षण कर सकते हैं और दर्शन शास्त्र इसलिए हमें पढ़ना आवश्यक है। अब हम चौथे बिंदु को समझते हैं विज्ञानंत दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। दर्शन शास्त्र के पढ़ने से हम अन्य दर्शनों के बारे में तो जानकारी प्राप्त होती ही है और जिसके पढ़ने से हमें अनेक तत्वों का निरूपण में जो दोष हैं उनका भी सही पता चलता है। इसके माध्यम से हम उनके विपरीत स्वरूप को जानकर उनका त्याग भी कर सकते हैं। अब अंतिम पांचवा बिंदु दर्शन शास्त्र वाद विवाद के लिए नहीं। ये दर्शन शास्त्र मात्र वाद विवाद का विषय नहीं है। इसके ये तो मात्र वस्तु का सम्यक ज्ञान वस्तु का सही निर्णय करने के लिए ही है। अतः क्योंकि वाद विवाद करने से तो मात्र कषाय उत्पन्न होती है। अतः धर्मदास चोलक जी ने कहा भी है सदगुरु कहे सहज का धंधा वाद विवाद करे सुवंधा। अंत में यही कहूँगा कि वाद विवाद में ना पढ़कर सम्यक प्रकार से वस्तु का परीक्षण करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जी ने बहुत बहुत धन्यवाद भाई शुभम जैन को। और अब अंतिम वक्ता के रूप में आए भाई सदर जैन जिनका विषय है गीता दर्शन योग मीमांसा।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि शब्द से ही है, श्रीमद् भगवद् गीता योग मीमांसा। किसी विषय को समझने के पहले जो विषय है, उस विषय में जो पूरा वाक्य है, उसके वाक्य को एक एक अर्थ के टुकड़े से समझना चाहिए, तब वो विषय विस्तृत रूप से खुलता है। इस तरीके से श्रीमद् भगवद् गीता योग मीमांसा, श्रीमद् से यहाँ लिया है। श्री का वैसे सम्मान सूचक शब्द है, लेकिन श्रीमद् से चूँकि यहाँ भगवद गीता के संदर्भ में बात है, इसीलिए सीधा श्रीमद् से यहाँ ईश्वर को लिया है। भगवत का मतलब होता है भगवान की भक्ति करने से है, इसीलिए भगवत का अर्थ यहाँ भक्ति करने से, और गीता चूँकि साधन है, जैसे यहाँ देवसास गुरु के साधन के लिए जो साधन है वो पूजा है, स्वाध्याय है, ये सब चूँकि साधन है, इसीलिए गीता यहाँ पर साधन है। योग का मतलब होता है मन वचन काय, ये निमित्त रूप से कारण कहे गए हैं, और मीमांसा मतलब इसका विशेष रूप से विश्लेषण करना। इसका पूरा अर्थ ये हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता में ईश्वर का किस प्रकार से भक्ति के माध्यम से, योग के माध्यम से उनके स्वरूप का कैसे खुलासा किया गया है, और किन साधनों को जुटा करके उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना बताया गया है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता सराग रूप को निरूपित करती है, देवसास गुरु ईश्वर संबंधी ईश्वर को सराग रूप में मानती है, इसीलिए यहाँ गीता लिया गया है। इनके चार अंग बताए गए हैं गीता को समझने के, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। चूँकि इनका क्रम सही है, लेकिन जिस वस्तु को जिस तरीके से प्रतिपादन करना चाहिए उसमें इन्होंने गड़बड़ किया है। कर्मयोग को इन्होंने पहले कर्म लिया है, लेकिन ज्ञान के बिना कर्म यथा नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म नहीं जाना जा सकता है। उन्होंने कर्म को इस तरीके से लिया है कि जो जैसा हम कर्म करते हैं उसको, जैसा हम करें कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, इसको हम यथार्थ स्वीकारते हैं। और उन्होंने कर्म को यज्ञ से माना है कि जो कर्म है उसको, कर्म को इन्होंने इस संदर्भ में लिया है कि कर्म के ही माध्यम से हम इस ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, और कर्म के जो जो साधन है उसको जुटा करके यज्ञ में उसकी आहुति दे करके, इसको भी एक साधन माना है कि यज्ञ में आहुति दे करके ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से उन्होंने कर्म लिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं जाना कि ज्ञान एक ऐसा पार्ट है जिसके माध्यम से कर्म को जाना जा सकता है, बिना ज्ञान के कर्म नहीं जाना जा सकता है, इसीलिए इन्होंने कर्म पहले लिया। अब ज्ञान को देखते हैं, इन्होंने ज्ञान के बारे में भी बताया है कि कर्म योगी को ज्ञान एवं भक्ति होना बहुत जरूरी है। ज्ञान में इन्होंने बताया है कि ज्ञान एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से ईश्वर भक्ति तक पहुंचा जा सकता है। इसमें इन्होंने बताया कि कर्म योगी होने के लिए ज्ञान तथा शक्ति होना बहुत जरूरी है, और ज्ञान योग अन्य ज्ञान मार्ग से विलंब है। ज्ञान की दो दिशाएं बताई हैं, एक तो सर्वमतों से लिया है, एक दर्शन से लिया है। सर्वमतों में ये बताया है, एक आत्मदर्शन से बताया है, एक ईश्वर दर्शन से बताया है। इन्होंने एक ज्ञान दर्शन का बताया है कि ज्ञान एक ऐसा साधन है जिससे आत्मा का भी दर्शन कर सकते हैं, और ज्ञान एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी आत्मा को भी जान सकते हैं, भले ही वो किसी रूप में कैसे भी बताया गया हो, लेकिन मूलभूत वस्तु यही है कि उन्होंने ज्ञान के माध्यम से इसको ईश्वर को बताना चाहा है। फिर उन्होंने ध्यान लिया है, ध्यान के संदर्भ में इन्होंने योग लिया है, और योग के साथ साथ जो प्राणायाम है इसको ध्यान बताया है। लेकिन चाहे जैसे भी ध्यान बताया है, इसमें मुख्य रूप से उन्होंने ध्यान को ये बताया है, लेकिन ये वास्तविक ध्यान नहीं है। उन्होंने ध्यान के माध्यम से ये बताना चाहा है, ध्यान के माध्यम से आत्मा को भी जोड़ा है कि जब हम रीढ़ की हड्डी सीधी करके पैर मोड़ के पैर के दाहिने अंगूठे को, दोनों पैर को एक दूसरे को ऊपर करके, हाथ को बांध करके और आंख बंद करके बैठते हैं, तो हमें चेतन ज्योति के दर्शन होते हैं। उनका ये भ्रम है, और उनका ये भ्रम उनके
उनका ये भ्रम उन्हीं की बात को बस पुष्ट कर सकता है, ऐसा कहीं प्रमाणिक नहीं है उनकी बात, क्योंकि ऐसे तो कोई भी बैठ जाए और किसी को भी कुछ दिखने लग जाए तो इसे ना तो आत्मा का दर्शन कहेंगे ना ईश्वर का दर्शन कहेंगे, इसीलिए दोनों प्रकार से गलत है। फिर उन्होंने भक्ति योग स्वीकारा है, सही बात है, इसको हम इस दृष्टि से भी घटा सकते हैं कि आत्मा के दर्शन के बाद यथार्थ भक्ति होती है। इनका क्रम तो वैसे सही रहा है कर्म से भक्ति तक का। भक्ति योग में इन्होंने ये स्वीकारा है कि भक्ति हर जीव भक्ति हर जीव के अंदर हृदय में बसी रहती है, भक्ति के ही माध्यम से हम भगवान को पहचान सकते हैं, और भक्ति को भी उन्होंने निरूपित किया है, लेकिन उनकी भक्ति को यथार्थ नहीं स्वीकारा जा सकता है। इस प्रकार से इन्होंने चार युग को समझाया, और इसमें जो मेरी त्रुटि हुई इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सजल जैन को, ये तात्कालिक वक्ता थे, उन्होंने अच्छा विषय प्रस्तुत किया। कवि करोति काव्यानि रस जानाति पंडिता तरु सुजति पुष्पानि मधु देवति सौरभम। इस प्रकार इन सब वक्ताओं का क्रम यही पे पूर्ण होता है। इन सब वक्ताओं को अपन जोरदार कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से स्वागत करेंगे। अब हमारे अपने कॉलेज के अध्यापक डॉक्टर हितेन जी शास्त्री आए और इन वक्ताओं के बारे में बताएं कि उन्होंने कैसा विषय प्रस्तुत किया, और अपनी वही से अपनी भावना व्यक्त करें। हितेन जी कौन का मिनट में कोई दिक्कत नहीं। हेलो, वंदितु सव सिद्धे दुवल मचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्चामि समह पाहुड़ मिण मोसुद केवली भणिदं जीवं जीवं दौवं जिनवर वसेन जेन निदिठं देविंदु विंदु वंदम वंदे तम सवदा सिरसा आदिजिनम वंदे गुण सदनम सदनंतामल बोधम रे बोधकता गुण विस्तृत कीर्तिम कीर्तित प्रथम अविरोधम रे। बोलिए देवादिदेव एक हजार आदिनाथ भगवान की जय। बोले सी 2400 तीर्थंकर भगवानों की जय हो। आदरणीय श्रीमान श्री शांति जी सर, आदरणीय वर्तमान में उपस्थित उपाचार्य डॉक्टर अनिल जी सर, यहाँ बैठे हुए विद्यार्थी और श्रोतागण, आज दर्शन शास्त्र का परिचय इस विषय पे संगोष्ठी रखी गई। यह विषय 2 बजे से अपनी महत्वता रखता है। एक तो अपनी परीक्षाएं भी नज़दीक है उस वजह से, और दूसरा इससे हमें क्या ज्ञान मिल पाता है उस वजह से। सिर्फ परीक्षा का ही एकमात्र उद्देश्य हो तब तो हमारी तैयारियां उस अपेक्षा से हमारे मस्तिष्क में होनी चाहिए, और अगर हम इसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं या अपनाना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था एक अलग ढंग की होती है। लगभग यहाँ उपस्थित सारे जो छात्र हैं, शायद एकाध को छोड़कर के अधिकतर राजस्थान से बाहरी हैं, और यहाँ जिन छात्रों को बुलाया गया है और साथ में उन छात्रों के पीछे जो यहाँ की संस्था का या हमारे अध्यापकों का जो विचारधारा रहती है वो हमारे जैन धर्म के
विकास, उन्नति और उसके प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्णता रखती है। इसलिए हम जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ते हैं उसका हमारे आध्यात्मिक उन्नति के साथ क्या संबंध है और हम उसका आध्यात्मिक उन्नति स्वयं की और अन्य की किस प्रकार से कर सके, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। हमारा विषय, हमारा लक्ष्य, हमारा मूल सिर्फ परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त कर लेना ही नहीं, अपितु वो हमारे व्यावहारिक जीवन में किस प्रकार से उत्पन्न पाती है, किस प्रकार से हम इसको आत्मसात कर पाते हैं, किस प्रकार से हम दूसरे को बना पाते हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम देखें सबसे पहले दर्शन शास्त्र का परिचय, तो दर्शन का अर्थ क्या है, दर्शन का मतलब क्या है, ये हमें समझना होगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में कहा, पश्यति दृश्यते अनेन दृष्टि मात्रम वा दर्शनम, देखता है, देखते जाने का कारण या जिसके द्वारा देखा जाता है यह देखना मात्र, सिर्फ इतनी सी बात कही। यहां भी जो ग्रंथ लिखे जा रहे हैं दर्शन शास्त्र का परिचय या दर्शन प्रेरण विषय, लेकिन वो मूल बात नहीं बता पा रहे कि मूल बात इसके पीछे छिपी भी क्या है। देखना, क्या देखना, देखा जाना और देखना मात्र, अगर हम इसको अध्यात्म से जोड़े तो आत्मा को देखना, आत्मा को जानना और आत्मा को देखना मात्र। परीक्षा मुख में एक नवा सूत्र आया है, घट में मात्मना वेदमी, घट को मैं अपनी आत्मा के द्वारा जानता हूँ, और उसके आगे पीछे सारे सूत्र जोड़ दिए कि सोन मुक्त्या प्रतिभासनम सस्योसाय और कर्मवत कर्तिकरण क्रिया प्रतीति, कि कर्ता करण के द्वारा क्रिया की प्रतीति करता है, आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा को जानना। अगर आत्मा को नहीं जाना तो फिर क्या जाना, अनंत काल हो गए लेकिन हमने अपनी आत्मा को कभी जाना ही नहीं। हम दर्शन पढ़ रहे हैं, दर्शन और धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि हमने कहा आत्मा को जानना, आत्मा के द्वारा जानना और आत्मा को देखना मात्र, क्यों? अगर हमारा अध्यात्म कहता है तो एक बात आती है जो हमने कई बार एक आध बार बच्चों को बताई भी है, आत्म जान रे जान रे जाना, आत्म जान रे जाना, बाहिर ढूंढे कौन है अंतर निपणन जी, बाहिर ढूंढे कौन है अंतर निपणन जी, ढूंढल बाला कौन है सो ही जानो जी, ढूंढल बाला कौन है सो ही जानो जी, आत्म जान रे जाना। अरे भाई आत्मा को जान, बाहर ढूंढने वाला कौन है अंतर निपणन जी, अंदर देख, और ढूंढने वाला कौन है भगवान महावीर, जब मारीच के रूप में आदिनाथ के पोते थे, स्वयं तीर्थंकर जिसके दादा हैं, स्वयं चक्रवर्ती जिसके पिता हैं, स्वयं कामदेव जिसके चाचा हैं और सारे मोक्षगामी, तो भी उन्हें भगवान महावीर तक के काल पहुंचने में कितना समय लग गया, कितनी वेदनाएं झेली, कितना उन्होंने गतियां झेली, क्या भगवान आदिनाथ उनको अपने साथ लेके जा नहीं सकते थे मोक्ष में? यही हमारा आगम सिखलाता है कि अपनी आत्मा को स्वयं जान, स्वयं पहचान, स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण कर, कोई दूसरा नहीं आएगा। और ये दर्शन जो पढ़ाया जा रहा है, जो दर्शन का परिचय दिया जा रहा है, उसके पीछे भी यही सिद्धांत है कि हम अपने जीवन में अपनी आध्यात्मिकता को उतारे, उसको जीने का संबल बनाएं, उसको जीने की प्रवृत्ति में डालें। धर्म एक जीने की शैली, एक जीने का तरीका है। दर्शन और अपने जीवन की जो शैली है उसके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। धर्म की परिभाषा करते हुए बताया, धम्मो वत्तु सहाओ खमादि भावो यदस्वी हो धम्मो रैणत्तयम् च धम्मो जीवाणाम रक्षणो धम्मो। अरे हर वस्तु का स्वभाव धर्म है, दस लक्षण भी धर्म है, रत्नत्रय भी धर्म है, और जीवों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। हम जो दर्शन शास्त्र का परिचय पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ जैन दर्शन नहीं है, अपितु अन्य दर्शन भी है, लेकिन चूंकि हमारे बचपन से या हमारे पैदा होने से ही जैन धर्म जुड़ गया है, तो हम अन्य जो दर्शन पढ़ रहे हैं
उस अन्य दर्शन को अपने दर्शन के साथ कैसे तालमेल बैठाए इसको देखना है। हमने जो अन्य दर्शन पढ़े, चाहे से चार्वाक हो, चाहे से बौद्ध हो, चाहे से सांख्य हो, चाहे से योग हो, चाहे से मीमांसा हो, चाहे से वैशेषिक हो, इन दर्शनों में क्या क्या बातें हैं और उन बातों को हम अपने अनेकांतवाद के साथ कैसे जोड़ें, इस बात को ध्यान रखना है। हमें दूसरे दर्शनों का ज्ञान क्यों दिया गया कि हम अपने दर्शन की बात उनके दर्शन के माध्यम से समझा सके। अगर हम हठाग्रही बनेंगे, दुराग्रही बनेंगे कि ऐसा करो, वैसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, तो सब जने हमसे लड़ पड़ेंगे, चिड़ पड़ेंगे या हमसे विरोध में आ जाएंगे। अनेकांतवाद यही कहता है कि पहले हम उसके दर्शन की बात करें। भाई अरे ऐसा दर्शन है आपका, बढ़िया बात है, इसमें अच्छी बात कह रहे हैं आप, फिर अपने साधवाद को, अपने अनेकांतवाद को उसके साथ में जमा करके समझाएं कि अरे भाई इस प्रकार की बात है। कोई दर्शन अगर मांसाहार को या हिंसा को प्राथमिकता देता है तो हम डायरेक्ट अगर कह दें कि अरे भाई हिंसा नहीं करनी चाहिए, मांसाहार नहीं खाना चाहिए, तो कभी वो अपने दिमाग में नहीं आएगा। और अगर हम उसको दूसरे तरीके से कहें कि अरे भाई आपके दर्शन में इतना बड़ा आपका जो धार्मिक स्थल है या आप धार्मिक पुस्तक को आप पढ़ते हैं, तो देखा जाए तो उस आदमी को या इस स्थल पे जाने की छूट इसी को होनी चाहिए, इस किताब को हाथ लगाने की छूट इसी को होनी चाहिए जो मांसाहार को टच भी ना करे, उसकी पवित्रता बनाई रखनी चाहिए। तो ये बात हमारे दिमाग में और उसके दिमाग में अच्छी तरीके से आ जाएगी। हम डायरेक्ट आक्षेप करेंगे तो नहीं समझ पाएगा। और सबसे बड़ा सिद्धांत हमारा यही होना चाहिए कि हमारा कार्य बन जाए, हमारी बात बन जाए, भले ही उसके अंदर हमारा सिद्धांत गौण रूप से रहे, उस बात को ध्यान रखने की बात हमारे सामने होनी चाहिए। हम कितने भी दर्शनों को, कितने भी सिद्धांतों को पलटने का प्रयास करेंगे तो इस समय जो पंचम काल चल रहा है वो सिद्धांतों को पलटने की, दर्शन को पलटने की इजाजत नहीं देता। 125 करोड़ की जनसंख्या में जैन धर्म की जो संख्या है वो बहुत कम है। हमें सबके साथ तालमेल बैठा के चलना होगा। हम किसी दर्शन का न तो विरोध कर सकते हैं, न किसी दर्शन को अपनी जबरदस्ती अपनी बातें थोप सकते हैं। हमें उन्हीं दर्शन को पढ़ करके उन्हीं दर्शनों में से अपनी बात को मनवाने का कोई रास्ता निकालना होगा, तभी इस पढ़ने का हमारा कार्य है। और दर्शन, धर्म, इन दोनों चीजों के साथ एक और बात जुड़ी हुई रहती है, वो संस्कार। हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, हमारा माध्यम संस्कृत है, और संस्कृत का जो दूसरा मीनिंग निकलता है वो निकलता है संस्कार। शुरुआत में जब बच्चे आते हैं तो हमारी एक बात क्लास में रहती है कि दो प्रकार के व्यक्ति हैं और एक बूढ़ा रास्ता पार कर रहा है, और रास्ता पार करते वक्त दोनों व्यक्ति साइकिल से आ रहे हैं, एक ने साइकिल के अंदर जैसे हल्का से टकराता है तो पढ़ा लिखा MA PhD सब कुछ पढ़ा लिखा वो बोलता है, अरे बुड्ढे क्या रास्ते में आगे दिखता नहीं गया तेरे को, और धक्का मार करके अपनी गाड़ी आगे कर देता है। और एक अनपढ़ जो साइकिल लेके आ रहा है पहले एकदम से साइकिल साइड में करता है, लो बाबा जी आपको मैं रास्ता पार करा दूं, आप हमारे पिताजी से मानो बुजुर्ग हो, मैं आपको रास्ता पार करा देता हूं, थोड़ा लेट पहुंच जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं। तो एक पढ़ा लिखा को आप समझदार नहीं कहते, एक अनपढ़ को आप समझदार कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी संस्कार मौजूद है, उसका संबोधन उसको पिता रूप में कहा गया, उसके भावनाओं में उसके प्रति आत्मीयता है, अहिंसा है, सामाजिकता है। और एक पढ़ लिख कर की भी अगर हमारे संस्कार हमारे अध्यात्म के साथ में नहीं जुड़ रहे हैं, हमारे माता पिता के साथ, हमारे गुरुजनों के साथ, या हमारे ऊपर जो संस्था उपकार कर रही है उसके प्रति, हमारे दायित्व के प्रति लापरवाही बरती जा रही है, तो फिर हमारा पढ़ना लिखना भी बेकार हो जाता है। हम चलें, हम उठें, हम बैठें, हम बोलें, हम बात करें, हर जगह ऐसा संस्कार होना चाहिए कि उसके पीछे छुपे हुए जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी अध्यापक गण हैं, जितने भी हमारे गुरुजन हैं, उनकी बातें झलके कि नहीं, क्या शिक्षा लेकर के आया है, किस संस्था से शिक्षा लेकर के आया है, किस दर्शन को पढ़ के आया है, किस दर्शन शास्त्र का परिचय पढ़ के आया है, किस जीवन शैली को जी करके आया है, उसके रोम रोम से उसका संस्कार, उसकी बातें झलकनी चाहिए। धर्म आत्मा का स्वभाव है, प्रवेश करते ही उस बालक को दिखना चाहिए कि साक्षात धर्म चल करके आ रहा है, तब जाकर के मालूम होता है कि नहीं धर्म है, तब जाके मालूम होता है कि हमने दर्शन पढ़ा है। सिर्फ दर्शन शास्त्र का परिचय एकमात्र किताब लग जाने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। हमारे पीछे जब से हम यहाँ पे आ चुके हैं तब से हमारी फैकल्टी क्या कही जाती है, जैन दर्शन।
जैन दर्शन का ही पार्ट है हमारा दर्शन शास्त्र का परिचय, और उस दर्शन शास्त्र का परिचय आपको आगे तक भी काम आएगा, क्योंकि जिसने जैन दर्शन को पढ़ा, जिसने दर्शन शास्त्र के परिचय को पढ़ा, वो आगे आपके विषय आने वाले हैं, प्रमेरत्नमाला है या शादवान मंजरी है या आप्त परीक्षा है, उन दर्शनों में जो तर्क वितर्क वाद विवाद होगा वो सब चीजें यहीं से आपको नीव रूप में लिखाई जा रही है। अब रहा हमारे विषय वस्तु को लेकर के, कि हमने जो सात प्रकार के दर्शनों की परिचर्चा की, उन चर्चाओं का जो हमने बताया शुरुआत में कि दो प्रकार के उद्देश्य रहे, एक तो हमारा परीक्षा के ऊपर केंद्रित रहा, दूसरा हमारा ज्ञानात्मक केंद्रित रहा। तो परीक्षा के ऊपर केंद्रित रहने का मतलब तो पहली बात तो यह कि हमारा विषय वस्तु पूरा अंडर कवर होना चाहिए, पूरा साक्षात समझ में आना चाहिए कि हम जो विषय वस्तु बोल रहे हैं, हम विषय वस्तु को समझ रहे हैं, उस पॉइंट से हमारा भार भी नहीं जाए और उसमें सारे हमारे बिंदु आने चाहिए, और इस प्रकार के बिंदु कि अध्यापक को मजबूर होना पड़े कि इसको पूरे में से पूरे अंक ही देने हैं, उसकी प्रसन्नता झलक जाए, उसकी प्रसन्नता झलक जाए कि हाँ इस छात्र का बहुत अच्छा बिंदु है। और हमेशा हमने कहा जब भी छात्र अपने पुस्तकों में कॉपियों में जब भी प्रश्नों के जवाब देता है, तो आप भी जानते हैं एक 11वीं क्लास के छात्र भी और अन्य छात्र भी हैं कि आजकल एक खेल चलता है जिसे ओलंपिक कहते हैं, आदमी सीधा चलता है तो कोई ताली नहीं बजाता, लेकिन वही उछल कूद करके जिम्नास्टिक की तरह एक ऐसा अद्भुतता दिखाता है तो लोग ने तालियां बजाते हैं, बल्कि गोल्ड मेडल मिल जाता है, क्योंकि उसने अपने चलने की कला बना दी, प्रदर्शन किया कि अद्भुतता दिखाई। वही चीज हमारी कॉपियों में होना चाहिए कि हम अपने प्रश्नों के जवाब का डेकोरेशन करना जाने। एक खीर है, वो खीर दूध और चावल से बनती है, लेकिन उस खीर को बनाने का तरीका अलग अलग होगा तो उसको नंबर भी वैसे दिए जाएंगे। एक व्यक्ति सामान्य खीर बनाता है, सिर्फ दूध चावल गर्म करके दे देता है, दूसरा उसमें दूध चावल के साथ चीनी मिला करके बढ़िया ढंग से हिला करके मीठा अलग से, तीसरा उसमें इलायची मिला देता है, चौथा उसमें केसर मिला देता है, पांचवा उसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिला देता है, और छठा उसमें अलग ढंग से इसमें घी भी डाल करके इस प्रकार से डेकोरेट करता है कि खाने वाला जो छठवीं खीर है उसको सबसे पहले देता है कि ये लड़के ने बहुत अच्छी खीर बनाई है। यही हमारे प्रश्नों के जवाब के ऊपर निर्भर होता है कि हम अपने प्रश्नों के जवाब इस प्रकार से दे दें कि उसका डेकोरेशन श्लोकों से, गाथाओं से, कुछ कोटेशन से, कुछ उक्तियों से हमारा केंद्रित हो। और रहा ज्ञानात्मक बच्चों को ज्ञान देने की बात, तो ज्ञानात्मक भी हमारा इस प्रकार से होना चाहिए कि हम विषय वस्तु के ऊपर केंद्रित होते हुए अन्य विषयों के द्वारा भी हम अगर समझा सके तो, क्योंकि कनिष्ठ के छात्र हैं लेकिन वरिष्ठ के छात्र भी यहाँ मौजूद हैं, उनका एक शब्द आता है वीतरा कथर विजिगीषु कथा। वीतरा कथा के लिए यही कहा गया है कि छात्र को सामने वाले को समझ में आना चाहिए, चाहे से वो कोई सा भी उदाहरण दे, वहां पे सब उदाहरणों की छूट है, सब उदाहरणों की मान्यता है। और कनिष्ठ में भी किताब में आया प्रतिज्ञा हेतु उपनय निगमन उदाहरण कि सिर्फ दो ही हेतुओं को मान्यता दी गई है विजुकिषु कथा में, पर वीतरा कथा के लिए कहा गया है कि वो पांचों के पांच उपयोग ले सकता है, कोई सा भी उदाहरण ले सकता है, कोई भी बात बोल सकता है उस वीतरा कथा में कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो वही बात हमारे संगोष्ठी में भी होना चाहिए कि हम जिस सिद्धांत का प्रणयन कर रहे हैं, हम सिद्धांत को बोल रहे हैं, उस सिद्धांत पे हमारी भावना इस प्रकार से केंद्रित होनी चाहिए, हमारा श्लोक, हमारा मैटर, कि हम पूरी की पूरी बातें सामने वाले को अंडरस्टूड करवा सके, समझा सके, ताकि वो पूर्ण रूप से उस विषय वस्तु को समझ सके कि हाँ इस प्रकार का दर्शन, इस प्रकार की व्यवस्था हमारे सामने कही गई है। रहा एक प्रश्न कि सत्कार्यवाद और एक असत्कार्यवाद क्या है, शब्दों को पहले तोड़ करके बात बताएं। सत, सत है क्या? सत कहलाता है सत्ता। आचार्य उमा सामे ने भी कहा सद्रव्य लक्षणम, कार्य का मतलब हमारा वर्क, वाद मतलब कहना, और यही चीज असत के ऊपर भी लागू होती है। असत मतलब जिसकी सत्ता नहीं हो, जो तीन काल और तीन लोक में न मिले वो कार्य, उसको कहने का तरीका। तो सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद के मतलब यही है कि संसार में जिसकी सत्ता पाई जाए उसको सत्कार्यवाद के रूप में कहा गया, और उसकी सत्ता ही नहीं पाई जाए वो सत्कार्य रूप में पाया गया। अब इसमें कई बातें इसमें जोड़ दी जाती है कि सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद को समझाया कैसे जाए। तो कहा यह जाता है कि जो जो उपादान होगा
अगर उसमें उपादान में योग्यता होगी तो निमित्त भी उसको मार करके वो अपने आप उससे परिणत हो जाएगा, लेकिन अगर उपादान की योग्यता ही नहीं तो सब कार्यवाद का भी उपयोगिता नहीं बन पाएगी। हर पत्थर मूर्ति बनने के योग्य नहीं होता, हर मिट्टी घड़ा बनने के योग्य नहीं होती, उसमें उपादान क्षमता भी होना जरूरी है। अगर उपादान क्षमता ही नहीं होगी तो फिर वो निमित्त पाकर के भी सैकड़ों निमित्त मिल जाए तो भी वो उस कार्य में परिणत नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात ये भी कही गई है सत्कार सत्कारवाद को लेकर के, कि जिस के साथ में जो कारण होता है उसके साथ वही कार्य होगा। आप मिट्टी से घड़ा बना सकते हो और तंतु से पट बना सकते हो, लेकिन आप कहो कि तंतु से घड़ा बन जाए और मिट्टी से पट बन जाए, कपड़ा बन जाए, संभव नहीं। हर एक कार्य के पीछे उसका कारण मौजूद रहता है और उस कारण के अंदर एक योग्यता होती है, वो उसी कार्य को परिणत होगी जिसकी वो योग्यता रखती है। वो संसार में कुछ असत कार्य भी होते हैं, जैसे वंध्या का पुत्र या श्रससंग या फिर आकाश पुष्प, वो हिंदी वरम गगन हिंदी वरम भी बता दिया। तो ये तीनों चीजें जो चीज है ये असत्ता में, असत है मतलब असंभव है। दो चीजें हुआ करती है, एक तो होता है मुश्किल और एक होता है नामुमकिन। मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है पर नामुमकिन को कभी मुमकिन नहीं हो सकता, असंभव को कभी संभव नहीं हो सकता, अभाव को कभी सद्भाव में नहीं परिवर्तित किया जा सकता। तो यही चीजें हमारे साथ में जुड़नी चाहिए कि हम अपने विषय वस्तु की तैयारी इस प्रकार से करें कि हमें न सिर्फ स्वयं को ज्ञान हो अपितु हम दूसरे के ज्ञान को भी अपने ज्ञान के द्वारा समझा सके और इस रूप परिणत कर सके, और साथ साथ हमारा विषय वस्तु इतना मजबूत हो कि हम अपने अंकों को भी उच्च स्थान पर ला सके। क्योंकि यहां से जो डिग्री मिलेगी, जो कॉलेज से महाविद्यालय से डिग्री मिलेगी, उसकी वैल्यू पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में रहेगी। एमबीए करना हो, एमसीए करना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए उस अंकों का होना बहुत अच्छे अंकों का होना बहुत आवश्यक है। यहाँ जो अध्ययन होता है, यहाँ जो पढ़ाई होती है, वो एक इस प्रकार की बेहतरीन पढ़ाई है कि उसका सहयोग आपको मिलेगा इस दर्शन को मजबूत करने में। जैसा कि हमने बताया ना कि श्लोक या गाथाएं अगर आप प्रश्नों के समावेश में देंगे तो श्लोक और गाथाएं यहाँ जो आपके अध्ययन चलता है अन्य विषयों का, उन श्लोकों का और गाथाओं का उपयोग करके जब आप इसमें यूज करेंगे तो अपने आप आपका मैटर अपने आप डेकोरेट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा यही कहना है सभी छात्रों को कि बहुत ही बढ़िया ढंग से आप पढ़ें, बहुत ही विषय वस्तु को सही ढंग से समझें और सिर्फ अपनी आध्यात्मिकता ही मजबूत न करें, अपने निजी जीवन को भी मजबूत करें, और निजी जीवन और आध्यात्मिकता दोनों इस प्रकार से सुवासित हो, इस प्रकार से प्रफुल्लित हो कि उसका प्रभाव दूसरे पे पड़े बगैर न रहे। जब एक कमल एक गुलाब पूरी महकता के साथ खिलखिलाता है, अपनी खुशबू बिखेरता है, तो अपने आप ही दूसरों के मन को आकर्षित किए बगैर नहीं रहता। तो उसी प्रकार हमारा जो अध्ययन है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा संस्कार है, जो हमारी नॉलेज है, वो इस प्रकार से सुवासित हो कि वो दूर दूर तक हमारी खुशबू फैले और हमारे पास लोग खींचे चले आए और हम उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हितेन जी भाई साहब को, उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए। अब मैं अनिल जी भाई साहब को निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने गोष्ठी के संदर्भ में कुछ विचार व्यक्त किए करें और दो श्रेष्ठ वक्ताओं का चयन करें। एष सुरासुरमनुषिन् मन्दिदं धोदिघायिकं विमलं प्रणिमामि वड्डिमाणं तीर्थं ब्रह्मशिखरतरम्। यहाँ कर मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई, सभी जो विद्यार्थी यहाँ पर, जब मैंने सर्वप्रथम विद्यार्थियों को देखा, सभी विद्यार्थी बहुत ही उत्साहित थे। संगोष्ठी का समय हो रहा है और संगोष्ठी में आने के लिए
कब संगोष्ठी प्रारंभ हो और हम सभी वहां पर जाकर के तत्व ज्ञान का श्रवण करें, ऐसा विद्यार्थियों को देखकर प्रतीत हुआ। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके यहाँ साप्ताहिक संगोष्ठी चलती है और प्रतिदिन स्वाध्याय भी आपके यहाँ होता है, और मैं समझता हूँ स्वाध्याय के बाद स्वाध्याय में आगत विषयों पर शंका समाधान भी होते होंगे, जिसके माध्यम से आप सभी प्रतिदिन लाभान्वित होते हैं। यहाँ के सभी विद्यार्थी मैंने देखा बहुत ही संस्कारवान विद्यार्थी हैं, बहुत बुद्धिमान भी हैं विद्यार्थी। आप लोगों का यहाँ के जो अभिभावकों का जो प्रसाद है विद्यार्थियों के प्रति, वो प्रसाद मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रसाद है। यहाँ के विद्यार्थियों का जब परीक्षा परिणाम मैं देखता हूँ तो मेरा जो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। चाहे वह, और जब मैं देखता हूँ यहाँ के विद्यार्थी अब कहीं भाषण प्रतियोगिता में कहीं बाहर जाते हैं या किसी अन्य प्रतियोगिताओं में बाहर जाते हैं, चाहे वो है बैडमिंटन वाली प्रतियोगिता हो या क्रिकेट आदि की प्रतियोगिता हो, तो उन प्रतियोगिताओं में भी, खो खो आदि की प्रतियोगिताओं में भी यहाँ के विद्यार्थी स्थान अवश्य प्राप्त करते हैं। एक मंथन गाला करके एक विद्यार्थी है, वो जब वो बैडमिंटन आदि में जाता है तो अच्छे यहाँ का फर्स्ट अंक फर्स्ट नंबर लाता है कॉलेज का। तो मैंने देखा है कि यहाँ के विद्यार्थी खेलने में चाहे संभाषण की प्रतियोगिता, पिछले वर्ष एक विद्यार्थी यहाँ का था, इंग्लिश में संभाषण प्रतियोगिता हुई, इंग्लिश में पूरे राजस्थान स्तर की संभाषण प्रतियोगिता हुई थी। तो राजस्थान स्तर की जो संभाषण प्रतियोगिता हुई थी, उस राजस्थान स्तर की इंग्लिश भाषा की संभाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई किस प्रकार के विद्यार्थी यहाँ रहते हैं। मैं विद्यार्थियों की इस स्थिति से बहुत प्रसन्न हूँ। जब मेरे को आज सुबह कल से ही ऋषभ जी का फोन जा रहा था कि आपको आना है, यद्यपि मेरे को सर्दी बार बार कम आ रहा था बाहर, लेकिन फिर भी मैंने विद्यार्थियों के स्नेह को देखते हुए यहाँ पर आने का विचार किया। और जो यहाँ पर आने का मेरा विचार था, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आने का मेरा विचार जो था और मैं आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की, इसके लिए भी मैं विद्यार्थियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी प्रस्तुति की, छोटे छोटे विद्यार्थियों ने वो मैं समझ नहीं सकता था कि इतनी अच्छी प्रस्तुति करेंगे विद्यार्थी, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने बहुत ही विषय की प्रस्तुति हो, चाहे भाषागत सौष्ठव हो, विषय की संपूर्णता हो, ये अच्छा प्रस्तुत किया। दर्शन शास्त्र के परिचय से यद्यपि आप लोगों ने इस विषय को प्रस्तुत किया है, जैन दर्शन का विषय प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों से मैं कुछ कहूंगा कि जब आप जैन दर्शन के प्रस्तुत करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो, तो उस समय सभी विद्यार्थी डॉक्टर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य जी का एक जैन दर्शनिक पुस्तक है, डॉक्टर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य जी की, उस पुस्तक को आप लोग देखें। उस पुस्तक को डॉक्टर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य, उनकी एक जैन दर्शन करके पुस्तक है, जैन दर्शन, दर्शन शास्त्र की बहुत ही अच्छी पुस्तक है। उसके साथ साथ पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री की एक जैन न्याय करके एक पुस्तक है, यहाँ उपलब्ध होगी स्मारक में, उस पुस्तक को भी आप पहले देखें तो मैं समझता हूँ कि इससे जैन दर्शन की जो प्रस्तुति है बहुत अच्छी होगी। जो दर्शन शास्त्र के परिचय में जो जैन दर्शन के विषय में विषय वस्तु प्रस्तुत है, वो मैं समझता हूँ कि उनको या तो जैन दर्शन संबंधी संपूर्ण ज्ञान नहीं था, या कहीं उनको किसी चीज का व्यामोह था, इसलिए
अनेक स्थलों पर उन्होंने जैन दर्शन संबंधी जो विषय वस्तु की प्रस्तुति में गलतियां की, यद्यपि मैंने पिछले वर्ष भी इनको पत्र लिखा था बोर्ड को कि इसमें से जो गलतियां हैं वो सुधरना चाहिए, लेकिन अब बोर्ड का क्या उनका विचार रहा ये ज्ञात नहीं हुआ। इसके बाद में ये चारवाक दर्शन के विषय में थोड़ा सा बोलूं आपसे। चारवाक दर्शन की प्रस्तुति में भी लोगों का थोड़ा सा भ्रम रहा। जैसे एक श्लोक आता है, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जो श्लोक आता है इस प्रकार का, जो नौवीं शताब्दी के ग्रंथों में नौवीं शताब्दी तक ये श्लोक नहीं मिलता है, नौवीं शताब्दी के बाद ये श्लोक आया। नौवीं शताब्दी के पूर्व जो श्लोक मिलता था वो श्लोक इस प्रकार से मिलता था नौवीं शताब्दी के पूर्व, यावत जीवम सुखम जीवेत नास्ति मृत्यु रगोचरः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसमें ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत की जो बात की, वो बात के लोगों ने उसको क्षेपण किया, इसमें भी दिया है वही श्लोक दिया हुआ, इसमें भी ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत। इस पर मैंने बहुत गंभीरता से, जब मैं अपना शोध प्रबंध लिख रहा था, बहुत गंभीरता से इस बिंदु पर मैंने विचार किया था कि ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत जी आया कैसे। आचार्य श्री विद्यानंद जी ने सत्य शासन परीक्षा में नास्ति मृत्यु रगोचरा शब्द का प्रयोग किया है, ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेश शब्द का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। इसका अभिप्राय है कि जब तक जियो, विद्यानंद जी का जो अभिप्राय है, जब तक जियो सुख से जियो, मृत्यु किसी के गोचर नहीं है, ऐसा उनका अभिप्राय था चारवाक दर्शनकारों का कि मृत्यु किसी के गोचर नहीं, मैं मृत्यु किसी ने नहीं देखी, मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा। हो सकता है यह मान्यता जो है वो हमारे और आपके अंदर भी हो सकती है कि हो ये मान्यता। यदि हम पुण्य पाप आदि पर विश्वास नहीं करते हैं, पुण्य पाप आदि पर हम विश्वास नहीं है और अनैतिकता पूर्वक धन आदि का हम संचय करते हैं, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए असत्य आदि का सहारा लेते हैं, तो हमें समझते हैं कि ये हम पुण्य पाप के विश्वास से रहित हैं हम। और जो चारवाक की मान्यता है वो चारवाक कोई एक चारवाक, चूंकि दर्शन था चारवाक, दर्शन के रूप में स्थापित था चारवाक, अच्छे से था, लेकिन इस प्रकार की मान्यता हमारे आपके अंदर हो सकती, बहुत सारे लोगों के अंदर हो सकती है कि जिसको पुण्य पाप के ऊपर विश्वास ना हो, वो मान्यता हमारे अंदर से दर्शन शास्त्र को पढ़ने के पश्चात ये चित्त में आना चाहिए कि यदि हमारे अंदर कोई मान्यता है इस प्रकार की, चाहे चारवाक दर्शन के विषय में हो या अन्य किसी विषय में हो, तो मान्यता हमारे अंदर तो नहीं है कहीं। यदि वो मान्यता हमारे अंदर है तो उस मान्यता, वो मान्यता हमारे अंदर से पृथक होना चाहिए। जिनंद एक छुल्लक जिनंद वर्ण जी थे, जिनंद वर्ण जी ने जैन और जैनों में जैन और जैनेतर दर्शन करके उन्होंने लिखा, जैनियों में 363 मत कैसे सिद्ध किए उन्होंने, जो हम आपकी मान्यता है कि जैनियों में जो वर्तमान में जैनी है, जो कि ग्रीत मिथ्या से युक्त नहीं है, जो कि परंपरा कुल परंपरा से आगत जो परंपरा है उसको वो स्वीकार करते हैं, उनमें कैसे ये 363 मत घटित होते हैं, वो पुस्तक भी उनकी देखना चाहिए आप लोगों को, जिससे हमारे अंदर कोई 363 मत में से कोई मान्यता तो नहीं है, वो मान्यता भी निकलेगी। यद्यपि टोटरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अच्छा प्रयत्न किया कि किस प्रकार की मान्यता है लोगों की और कैसे वो मिथ्या आदि को प्राप्त होते हैं 7वें अध्याय के माध्यम से, लेकिन वो पुस्तक भी एक देखने योग्य है। इसके पश्चात आप लोगों के चित्त में विचार आएगा, प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में विचार आता होगा कि जैन दर्शन इतना महान था और इतना महान है, लेकिन इसके मानने वाले लोग कम क्यों हैं, कोई बताएगा कम क्यों है इसके मानने वाले। तो आचार्य समंतवद स्वामी ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया, किसी ने प्रश्न किया उनसे समंतवद स्वामी से कि आप ये बताइए कि आपके मानने वाले, आपका जब शासन अच्छा है तो आपके मानने वाले लोग क्यों नहीं अच्छे, ये बताइए। तो समंतवद स्वामी ने युक्तानुशासनम में उत्तर दिया
काला कलेरवा कलुषा सयोवा श्रोतो प्रयुक्तो वचना नयोवा तच्छिष्णिकाधिपत लक्ष्मी प्रवृत्त शक्ति रफवाद हेतु। हे भगवान, कालल कलेरवा कलिकाल है, कलुषा सयोवा श्रोतो प्रवक्तो वचनो कलुष आशय, कलुषित आशय से युक्त प्राणी है और श्रोता और वक्ता दोनों की अनय में प्रवृत्ति है। श्रोता और वक्ता दोनों का आश्रय कलुषित होने के साथ साथ उनकी अनय में प्रवृत्ति, यानी नय में प्रवृत्ति नहीं है। किस वस्तु को किस नय से समझना, इसमें प्रवृत्ति नहीं है उनकी। नय दृष्टि को वो नहीं समझते हैं, नई दृष्टि से वस्तु स्वरूप का विवेचन नहीं करते हैं। इसलिए तो छैस नहीं का आधिपतित्व लक्ष्मी, आपके जो शासन में एकाधिपतित्व का, एकाधिपतित्व की जो सामर्थ्य है वो तो आधिपतित्व लक्ष्मी प्रभुत्व शक्ति और अपवाद हेतु। उस शक्ति जो प्रभुत्व बने की शक्ति, उस अपवाद का यही एक हेतु है। हमारे द्वारा ये बहुत ही गंभीर बात है, हमारा आवश्यक कलुषित नहीं होना चाहिए और अनय में हमारे द्वारा किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं हो, तब जैन शासन की सुरक्षा होगी। इसलिए उन्होंने कहा, आगे कैसा है आपका शासन, बोले दयादमत्याग समान निष्ठम न प्रमाणा प्रगदान्य शासन। बोले आपका जो शासन है भगवान, दयादमत्याग समान निष्ठम, शायद समय हो रहा है तो जल्दी समाप्त करूंगा मैं, दयादमो त्याग से आपका शासन सहित है और कैसा, नया प्रमाणा प्रगतान्य शासन, नय और प्रमाण से आपका शासन युक्त है। तो नय और प्रमाण के विषय में हमारी प्रवृत्ति हो। दूसरे प्रमाण के विषय में चर्चा आई हुई थी, इस बीच में थोड़ी सी प्रमाण के विषय में चर्चा करूं मैं। प्रमाण के विषय में जब प्रारंभिक परंपरा थी जैन दर्शन में प्रमाण की, तो ज्ञान को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता था। आचार्य समंत भद्र स्वामी के पूर्व तक सठखंडागम में, आचार्य कुंदकुन स्वामी के ग्रंथों में और आचार्य उमा स्वामी के ग्रंथों में ज्ञान को ही प्रमाण के रूप में माना जाता था। और इन सभी आचार्यों ने, उमा स्वामी आचार्य तक, सभी आचार्यों ने ज्ञान को ही प्रमाण के रूप में स्थापित किया था। इसके पश्चात आचार्य उमा स्वामी के पश्चात समंत भद्र स्वामी ने तत्व ज्ञानम प्रमाणम युगपत सर्वभाषणम इत्यादि के माध्यम से तत्व ज्ञान को उन्होंने प्रमाण के रूप में स्थापित किया। तत्व ज्ञान के रूप में प्रमाण को किसने स्थापित किया, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने तत्व ज्ञान के रूप में प्रमाण को स्थापित किया और उसका आगे चल के उसको बहुत विस्तार से उसका विवेचन जैन शास्त्रों में किया गया। प्रत्यक्ष परोक्ष की मान्यताएं भी भिन्न थी। आचार्य कुंदकुन स्वामी जी ने प्रवचन सार के प्रथम अधिकार में, शायद आचार्य जयसेन की टीका में वो गाथा आती है, चमगन नंबर की गाथा है वो, जहां तक मेरे को स्मरण तो नहीं है कौन से नंबर की गाथा है, उसमें उन्होंने केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा और बाकी शेष ज्ञानों को उन्होंने परोक्ष के रूप में स्थापित किया। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी मात्र केवल ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहा उन्होंने और बाकी ज्ञानों को उन्होंने परोक्ष कहा। इस रूप से प्रमाण के सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया। तो जहां तक संगोष्ठी की बात है, संगोष्ठी तो बहुत ही श्रेष्ठ हुई, आगे भी मैं चाहता हूँ कि इसमें सुधार होगा। वो सुधार तभी होगा जब थोड़ा सा हम और इसका अध्ययन करेंगे। मात्र दर्शन शास्त्र से ही इसमें सुधार हो जाएगा ऐसा नहीं, दर्शन शास्त्र के अलावा दूसरे जो विषय वस्तु उसको भी देखें। सर दर्शनों के बारे में आपको बिल्कुल संक्षेप में यदि विषय वस्तु की आवश्यकता हो तो कहाँ से देखें बताओ, कहाँ से मिलेगी? एक सत्य शासन परीक्षा है, सत्य शासन आप लोग लिखना, सत्य शासन परीक्षा है ये, आचार्य विद्यानंद स्वामी की सत्य शासन परीक्षा है ये। और सत्य शासन परीक्षा का जो प्रकाशन हुआ है वो ज्ञान भारतीय ज्ञानपीठ से हुआ है। इस सत्य शासन परीक्षा की प्रस्तावना जो है डॉक्टर श्री गोकुलचंद जी की प्रस्तावना है। डॉक्टर गोकुलचंद जी की जो प्रस्तावना है उन्होंने संक्षेप में, एकदम संक्षेप में समझ लीजिए, संक्षेप में सभी भारतीय दर्शनों का परिचय दिया है। सत्य शासन परीक्षा में भी सभी भारतीय दर्शनों का ही परिचय है, तो उससे आप सहयोग ले सकते हैं और भारतीय दर्शनों की प्रस्तुति अच्छे से कर सकते हैं। दर्शन शास्त्र की जब हम प्रस्तुति करते हैं तो तीन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना चाहिए।
वो तीन बिंदु कौन से हैं? दर्शन शास्त्र में मुख्य रूप से तीन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है, और तीनों बिंदुओं पर चर्चा होती है दर्शन शास्त्र में। एक तत्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और आचार मीमांसा। तत्व के विषय में इस दर्शन की क्या मान्यता है, किसी विद्यार्थी ने बोला भी था, अच्छे से बोला था। तत्व के विषय में इस दर्शन की क्या मान्यता है, प्रमाण के विषय में क्या मान्यता है, और इस दर्शन का आचार पक्ष क्या है, इन बिंदुओं का यदि हम ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं कि प्रस्तुति बहुत श्रेष्ठ होगी। अब ज्यादा तो मेरे को नहीं बोलना है, कुछ प्रश्न यहां पर आए हुए हैं, उन प्रश्नों को समाधान देकर के। पहला प्रश्न इसमें आया था, चार्वाक दर्शन और जैन दर्शन में से भारतीय दर्शन किसे पहला मानते हैं? चार्वाक दर्शन और जैन दर्शन में भारतीय दर्शन किसको पहला मानते हैं? तो चार्वाक दर्शन और जैन दर्शन में से भारतीय दर्शनकार, पहले जो भारतीय दर्शनकार थे वो तो चार्वाक दर्शन को पहले मानते थे। चार्वाक दर्शन का उस समय लगभग जैन दर्शन के 3-4 हजार वर्ष पूर्व सिद्ध करते थे वो, और जैन दर्शन की जो स्थापना है वो महावीर स्वामी से मानते थे, पहले के जो दार्शनिक रहे। लेकिन जब से पंडित डॉक्टर श्री महेंद्र कुमार न्यायाचार्य ने जैन दर्शन लिखा, तब से लोगों का यह भ्रम नष्ट हुआ। उन्होंने अच्छे से व्यवसाय विस्तुति की, तब से लोगों का भ्रम नष्ट हुआ कि जैन दर्शन महावीर स्वामी से ही नहीं, वो तो जैन दर्शन पहले से है, अनादिकाल से है, और विषम देव के जो उल्लेख भगवत आदि गीता में जो उपलब्ध होते हैं उन्होंने उसको अच्छी तार्किक शैली में उसका प्रस्तुतिकरण किया। तो वर्तमान में जो भारतीय दर्शन लिखे गए, चाहे वो बलदेव उपाध्याय को हो, चाहे नांगसेन का हो, इन लोगों ने जो भारतीय दर्शन लिखे, चाहे चंद्रधर शर्मा जी का हो, इन्होंने भारतीय दर्शनों ने जैन दर्शन को प्राचीन सिद्ध किया। उपलब्ध भारतीय दर्शनकारों ने चार्वाक दर्शन को बाद का सिद्ध किया। इसके बाद एक प्रश्न है इसमें, दर्शन शास्त्र संबंधी जिन्हें मात्र हमें इसका परिचय, दर्शन शास्त्र संबंधी सामग्री, तो दर्शन शास्त्र संबंधी सामग्री को हमने आपको बता दिया कि भाई एक तो वो सत्शासन परीक्षा की आप प्रस्तावना देखें, महंत कुमार जी का जैन दर्शन देखें, और न्याय उनका कैलाश चंद जी का जैन न्याय देखें। इसके साथ साथ महंत कुमार जी की जो प्रस्तावनाएं हैं वो प्रस्तावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन प्रस्तावनाओं को भी हमें अवलोकन करना चाहिए तो दर्शन का अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। चाहे उनकी प्रस्तावना जो न्यायकुमुद चंद की प्रस्तावना हो, न्याय विनिश्चय की प्रस्तावना है, सिद्धि विनिश्चय की प्रस्तावना है, इनकी प्रस्तावनाएं ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, और शोधपूर्ण प्रस्तावनाएं हैं, 50-50, 100-100 पेज की प्रस्तावना है। वो प्रस्तावनाएं देख करके हम ये भी विचार करें, जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, वरिष्ठ शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थी, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, आप लोग भी इस प्रकार का प्रयत्न करें कि आप लोग भी इस प्रकार की प्रस्तावना लिख सकें, इस प्रकार का गहन अध्ययन आप लोग करें। इस प्रकार एक प्रश्न इसके बाद है, अरविंद दर्शन के बारे में संक्षिप्त जानकारी जो है आपको पाश्चात्य दर्शन में मिल जाएगी, पाश्चात्य दर्शन करके एक पुस्तक है उसमें इसकी जानकारी मिलेगी। इसके पश्चात बौद्ध दर्शन के प्रमुख आचार्य कौन से हैं? तो बौद्ध दर्शन के जो प्रमुख आचार्य हैं, अश्वघोष हैं, वसुबिंदु हैं, नागार्जुन हैं, धर्मकीर्ति हैं, कमलकीर्ति हैं, इस प्रकार से इसके जो आचार्य हैं, अश्वघोष और वसुबिंदु सबसे प्राचीन आचार्य माने जाते। इसके बाद नागार्जुन की प्रसिद्धि बहुत हुई, और नागार्जुन की प्रसिद्धि के बाद धर्मकीर्ति जी की प्रसिद्धि भी अच्छे से हुई। जब धर्मकीर्ति जी नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, नालंदा विश्वविद्यालय में व्यवस्थापक थे, उसी समय अकलंक और निकलंक वहाँ क्या करते थे, अध्ययन किया करते थे। धर्मकीर्ति का ही वो समय था कि जिस समय अकलंक और निकलंक जी वहाँ अध्ययन करते थे, तो धर्मकीर्ति आचार्य बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए। आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया और बड़ा स्नेह दिया, क्योंकि विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों को धन्यवाद क्या दूँ, वो सभी विद्यार्थी रहे हैं, धन्यवाद के बात रांगे। अभी लोग इसी प्रकार से प्रयत्न करते रहें, इसी भावना के साथ ओम नमः। अच्छा, आप लोगों का जो परीक्षा परिणाम भी, आप लोगों का जो उसमें परिणाम भी घोषित करना है, तो पहला नंबर जो है प्रतीक जैन का प्रथम स्थान इसमें आया है, प्रतीक जैन। और दूसरा जो स्थान है वो संयम जी जैन तगोड़ा का आया है, बहुत अच्छा। प्रतीक जैन और संयम जैन आए और आपने पुरस्कार ग्रहण करें,
प्रतीक जैन और संयम जैन आया और अपना पुरस्कार अनिल जी भाई साहब से ग्रहण करें। हाँ, आइए। और मुख्य बिंदु इन्होंने बोले थे आकाश अमायन, वो आए और अनिल जी भाई साहब से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आकाश अमायन। और निबंध और कविता के बारे में जानकारी देने के लिए आए जिनेंद्र शास्त्री। मैं इसकी थोड़ी सी सूचना दे दूं कि यहाँ पर जो महाविद्यालय विद्यार्थियों के सर्वांग विकास के लिए तत्पर है उसमें वक्तत्व कला के लिए गोष्ठियाँ आदि होती हैं, लेखन कला के लिए आलेख, गाथा, कविता, निबंध आदि लिखे जाते हैं, तो उनमें जो पूर्व गोष्ठी हुई थी उस गोष्ठी के निबंध, कविता, आलेख आदि बच्चों ने लिखे थे, उनके पुरस्कार के लिए मैं यहाँ नाम घोषित करता हूँ। उपाध्याय वर्ग से आलेख में प्रथम स्थान प्राप्त किया है उपाध्याय कनिष्ठ से भाई अंकुर जैन, वो आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है विषय गुरुदेव श्री के ऊपर जो गोष्ठी हुई थी उसके जो आलेख और कविताओं के पुरस्कार दिए जा रहे हैं अंकुर जैन।